अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं अताउल्ला नियाज़ी, रिसर्च स्कॉलर, मौलाना उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, लिटरेरी सर्कल यानी अदबी गोशा के आज लेक्चर 6 में आप सबका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। हमारी वो हमने कुछ दिन पहले एक इनिशिएटिव लिया जिस पर हमने ये चीज़ सोची, हमारी टीम ने, कि किस तरीके से जो है इश्यूज को अंडरस्टैंड, क्योंकि किसी शायर ने बहुत खूब कहा था कि पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो, पढ़े लिखे हो तो तलवार रख के बात करो, जबां वाले जबां को जबां से काट। आज की इस दौर में जब आइडियाज की लड़ाई है, आज की इस दौर में जब आइडियोलॉजीज की लड़ाई है, उस लड़ाई में जरूरी यह है कि हम चीजों को अंडरस्टैंड करें और उन पर फिर जो अपना नरेटिव रखें या काउंटर नरेटिव जो भी हो। तो आज अल्फाजों की लड़ाई है, आज जो लड़ाई है हमारी वो है आइडियाज की। तो इसी कोशिश को हमने आगे बढ़ाया और ये एक इनिशिएटिव लिया कि लिटरेरी सर्कल जो है वो मुख्तलिफ इशूज पे जो है चीजों को अंडरस्टैंड करके आवाम तक पहुंचाने की कोशिश करे। उसी कोशिश का एक नतीजा जो था हमारा, जो हमने सबसे पहले टॉपिक लिया था, वो था फॉरेस्ट राइट एक्ट का, जिसमें हमने मुख्तलिफ गेस्ट को जो बुलाया, हिंदुस्तान से मुख्तलिफ लोगों को जो फॉरेस्ट राइट एक्ट पर कहीं काम कर चुके हैं, कहीं काम कर रहे हैं, या जिनका कहीं किसी स्टेट में बहुत बड़ा रोल है। तो इसी इसी प्रोग्राम को हमने जो है वो शुरुआत की थी कुछ दिन पहले। आज उसका छठा लेक्चर है, जिसमें हमारे आज के जो स्पीकर हैं, जो मेहमान हैं हमारे, जो वो हैं वाई गिरिराव साहब, जिनका ताल्लुक ओडिशा से है। गिरिराव साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वसुंधरा ऑर्गेनाइजेशन के। वसुंधरा का काफी बड़ा रोल रहा है ट्राइबल के राइट्स के लिए, अगर बात करनी हो, चाहे वो फॉरेस्ट राइट एक्ट को सक्सेसफुली ओडिशा में इंप्लीमेंट करने की बात हो, तो वसुंधरा ऑर्गेनाइजेशन का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नाम रहा है। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि वाई गिरिराव साहब ऐसी शख्सियत हैं कि जिनको जम्मू एंड कश्मीर में जब फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस चला, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इनको इन्वाइट किया कि आप आइए और जम्मू कश्मीर में जो हमारे लोग हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उनको ट्रेन करिए ताकि वो लोगों तक जो है वो फॉरेस्ट राइट एक्ट को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाए। उसमें इनका जो कहना था कि अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो कल लोगों को निकालने में सबसे आगे था, तो वो किस तरीके से इसमें एक पार्टी हो सकता है, क्योंकि आप अगर जो जालिम है जालिम को ही इंसाफ की कुर्सी पर बिठा देंगे कि आप इंसाफ करो, तो ये कहीं ना कहीं राव साहब का कहना था कि इस पर ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए इन्होंने जो वो प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया। इन चीज़ों को हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में, और बैकड्रॉप ऑफ ओडिशा कि ओडिशा में अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट जो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हुई है, उसको सक्सेसफुल भी नहीं कहा जा सकता, इसलिए क्योंकि ओडिशा में भी अभी सिर्फ 10% जो है वहाँ के लोगों को जो है ट्राइबल्स को या राइट्स मिले हैं, क्योंकि सबसे सक्सेसफुल ओडिशा में माना जाता है, तो वहां पे भी सिर्फ 10% है। उसके बाद झारखंड में 9% है, या बिहार में आप 1% ले लें। तो उनको हमने इसलिए इनवाइट किया कि आज जानने की उनसे कोशिश करें कि क्या कमियां रहीं ओडिशा में, और जो आज जम्मू कश्मीर में जब फॉरेस्ट राइट एक्ट इंप्लीमेंट हो रहा है, तो जो कमियां यहां पर ना रहे, कि हमने उनको इसीलिए इनवाइट किया था। उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम पे जो आने की जो एक्सेप्ट किया हमारा प्रपोजल, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ और आपने आज के इस प्रोग्राम में उनका इस्तकबाल करता हूँ। उसके साथ साथ हमारे आज के प्रोग्राम के जो मॉडरेटर रहेंगे वो जावेद राही साहब रहेंगे, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, कम करता हूँ अपने आज के इस प्रोग्राम पे, और उनका इसलिए शुक्रगुजार हूँ कि लिटरेरी सर्कल की इस कोशिश को, जब उनको कहा गया कि आप जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट एक्ट पे काम कर रहे हैं, आप जावेद राही साहब जो हैं चीफ एडिटर हैं गोजरी विंग एट अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस जम्मू एंड कश्मीर के, तो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट पे जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ में जाके या मुख्तलिफ जगहों पर जाके लोगों को इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या चीज़ है, आपके क्या हकूक हैं, आप किस तरीके से इसको क्लेम करेंगे, आपके क्या राइट्स हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो मैं आज का जो डिस्कशन रहेगी वो जावेद राय साहब मॉडरेट करेंगे, और हमारे आज के गेस्ट स्पीकर हैं गिरी राव साहब। मैं राव साहब और जावेद राय साहब का इस्तकबाल करता हूँ। मोस्ट वेलकम सर। नमस्ते। हाँ नमस्ते तो जी। जो मैं आप जावेद राय साहब को आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए उनको कहूंगा कि वो कंटिन्यू करें और आपने आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाए। जी सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ लिटरेरी सर्कल का और वी वाई गिरी राव साहब का कि वो यहाँ मौजूद हैं। हमारे बहुत सारे सवालात हैं, हम भी कुछ इनसे सीख लेंगे फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेकर के। सबसे पहले तो गिरी साहब आपका मैं इस्तकबाल करता हूँ इसमें प्रोग्राम में, जो यहाँ लिटरेरी सर्कल के लोग हैं, मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर और टीचर्स और इंटेलेक्चुअल जो हमारी कम्युनिटी के, उन्होंने शुरू किया है ये ट्राइबल कम्युनिटी के। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि
जो आपका आपने खुद खुद काम किया है इस फॉरेस्ट राइट एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन में उड़ीसा में, तो हम ये जानना चाहेंगे कि मतलब क्या गुर था कि उड़ीसा नंबर एक पे था। सर, पहले तो आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह का एक अपॉर्चुनिटी आज मिला है जहाँ पर हम उड़ीसा का जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस आपके सामने हम रखेंगे। क्योंकि अभी जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट आर्ट का शुरू हो रहा है, तो एक ये अपॉर्चुनिटी मिलता है कि दूसरा स्टेट में क्या क्या अच्छा काम हुआ है, जो लर्निंग पॉइंट हो सकता है जो स्टेट्स में शुरू हो रहा है, तो उसी के ऊपर हम थोड़ा बात आपके सामने रखेंगे। फिर उसके बाद जरूर आपके साथ जो चर्चा तो रखेंगे, इसमें एक हम थोड़ा शेयर करना चाहते हैं मेरा स्क्रीन को पर्टिकुलरली। इसमें हम आपके सामने कुछ बात रखेंगे उड़ीसा का क्या हुआ है, कैसे हुआ है। पहले जी तो जी बिल्कुल आपको आपको तो ये तो जानना चाहेंगे कि उड़ीसा क्या है। ओके, उड़ीसा मेरा बात है कि जो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में ये लोकेटेड है। हम लोग का स्टेट में जितना जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ये थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन है कंट्री में, और 72 टाइप्स ऑफ ट्राइब्स यहीं पर हम लोग का है, जिनके अंदर से भी 13 को कैटेगराइज किया है पीवीटीज के हिसाब जी से। एंड हम लोग का जितना जो फॉरेस्ट एरिया है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, वो 39% करीबन रिकॉर्डेड। उसमें से जैसे कि आपका हम लोग का मुझे पता नहीं ठीक से जम्मू कश्मीर में शेड्यूल्ड एरियाज है या नहीं, बट हम लोगों का कुछ स्टेट में कुछ एरियाज को शेड्यूल्ड जी एरिया, शेड्यूल 5th एरिया के अंदर जो डिक्लेयर किया गया है, उसमें से 69% ऑफ, अगर आप देखेंगे 70% ऑफ द जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया से वो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में ही है ज्यादातर। एंड हम लोगों का अगर आप ये भी देखेंगे कि 67% ऑफ हम लोग का स्टेट में अराउंड 49,000 करीबन विलेजेस है, उसमें से 67% विलेजेस जो जंगल के आसपास में है, एंड जी 70% पॉपुलेशन जो अगर आप देखेंगे उड़ीसा का जो फॉरेस्ट के ऊपर काफी डिपेंड कर रहे हैं। अगर फॉरेस्ट के जी साथ अगर आप नाता देखेंगे, ये डिपेंडेंसी के छोड़ के भी उनका जो कल्चर है, उनका जो प्रैक्टिस है, उनका जो इथोस है, जो वैल्यूज है जो उड़ीसा के लोगों का, इट्स नॉट ओनली द ट्राइबल, अदर जो कम्युनिटीज भी है उनका जंगल के साथ बहुत सारा नाता है। क्योंकि अगर आप उड़ीसा में देखेंगे बहुत सारा फेस्टिवल्स है, बहुत सारा हम लोग का जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है जो जंगल के साथ जुड़ा हुआ है। बट जी अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिश के टाइम से, आपका पहला एपिसोड भी हम देखे थे जैसे अभी आप रखे थे, कि ब्रिटिश का पीरियड से ही ये नाता तोड़ने का एक कोशिश हुआ था, एंड वो कोशिश में वो सक्सेसफुल हुए थे। एंड उड़ीसा का मेरा बात है कि अगर आप भी देखेंगे कि 1947 में इंडिपेंडेंस का पहले उड़ीसा 3 कैटेगरी के अंदर था, एक सेंट्रल प्रोविंस के अंदर था, एक बंगाल का प्रोविंस के अंदर था, एक मद्रास का प्रेसिडेंसी के अंदर था। इसके छोड़ के हम लोग का 21 प्रिंसलरी स्टेट्स थे जो पूरा उड़ीसा को गवर्न कर रहे थे, एंड ईच प्रिंसलरी स्टेट दे हैव देयर ओन फॉरेस्ट का जो लॉ था उसी के हिसाब से वो लोग गवर्न कर रहे थे। सो 1936 में उड़ीसा जब फॉर्म हुआ, फिर उसके बाद 47 के बाद इंडिपेंडेंस के बाद, फिर जब स्टेट एबोलिशन एक्ट आया, एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जो भी एक्सटेट एरिया था, स्टेट एरियाज था, उड़ीसा में मिले। एंड उसी के टाइम में मेरा बात है, अगर आप उड़ीसा में देखेंगे कि जो उड़ीसा फॉरेस्ट एक्ट 1972 में आया, बट जब इतना स्टेट एरिया में था, एक्सटेट एरिया में था, डिफरेंट प्रोविंस के अंदर था, डिफरेंट लॉ था, तो उस सबों को मिलाने के बाद उड़ीसा गवर्नमेंट ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में एक अमेंडमेंट लेके आए थे, जिसमें बोले थे कि जो जो एक्सटेट में बाई स्टेट में या कोई भी प्रोविंस में जिसको फॉरेस्ट लैंड में डिक्लेयर किया गया, दैट नीड्स टू बी कंसिडर इज ए डीम टू बी
फॉरेस्ट लैंड, तो फॉरेस्ट इसी के जी जी हाँ डीम टू बी फॉरेस्ट लैंड। तो उसी में अगर आपको मालूम है जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, अगर आप किसी को लैंड को फॉरेस्ट में डिक्लेयर करने से पहले तो आपको फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर को अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा, फिर आपको पूरा मैप देना पड़ेगा, फिर लोगों का से आपको लेना पड़ेगा जो भी उनका क्लेम को, फिर हियरिंग हुआ, फाइनल आप नोटिफाई करेंगे। बट ये प्रोसेस उड़ीसा में कभी भी फॉलो नहीं हुआ है, एंड दे हैव डिक्लेयर्ड एज डीम टू बी रिजर्व फॉरेस्ट और डीम टू बी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो इसी के हिसाब से जो भी राइट था, जो भी थोड़ा बहुत था मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर या सेंट्रल प्रोविंस के अंदर, वो पूरा सब चला गया एंड दैट बिकम ए गवर्नमेंट का फॉरेस्ट लैंड हो गया। एंड तभी से मेरा बात है कि जो जी हम लोगों का जो उड़ीसा में काफी सारे लोग पूरा डिप्राइव हुए थे इस प्रोसेस को लेके, मेरा बात है ये एक नाता है उड़ीसा का और जंगल के साथ। सेकंड, आपको हम जी रखेंगे जैसे कि आप बताए थे आपका पहला एपिसोड में, हम उसको और रिपीट करना नहीं चाहते हैं, बट जैसे कि हम लोग का 31 दिसंबर में जब ये आर्ट को लागू हुआ था एंड 1 जनवरी 2008 में रूल्स को लागू हुआ था, उसका जस्ट इमिडिएटली शुरू होने से पहले, लागू होने से पहले रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने हाई कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर लेके आ गए। भाई अच्छा ये कानून जंगल को पूरा काट देगा, ये कानून को लागू होने से पूरा जंगल चला जाएगा, टाइगर मर जाएंगे, ये सब पूरा लेके उड़ीसा हाई कोर्ट में रख दिए। एंड उड़ीसा हाई कोर्ट में पूरा 1 साल इस लॉ के ऊपर स्टे ऑर्डर रहा। स्टे में बोला थे कि आपको कोई टाइटल नहीं देना है, बट अच्छा उसमें मेरा बात है उड़ीसा गवर्नमेंट उसको दूसरे तरह से इंटरप्रेट किए, ये टाइटल नहीं देने के लिए मना किए, बट पूरा कानून के ऊपर स्टे ऑर्डर नहीं लागू नहीं हुआ है। आया, नहीं आया जी हाँ, जी सो ये इंटरप्रिटेशन के बाद उड़ीसा में क्या हुआ, आपको अगर देखेंगे इसमें 3 डिपार्टमेंट उड़ीसा में काफी काम किए, एक तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एक ट्राइबल डिपार्टमेंट। एज पर द जी लॉ जब हम लोग का ये नोटिफिकेशन हुआ, फेब्रुआरी में उड़ीसा गवर्नमेंट गेजेट नोटिफिकेशन करी ये लॉ को लागू करने के लिए। एंड जब जी गेजेट नोटिफिकेशन हुआ, पहला गेजेट नोटिफिकेशन आया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसएलएमसी जो स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमिटी का, सेकंड आया जी डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमिटी का नोटिफिकेशन हुआ, उसके बाद सब डिविजनल लेवल लेवल कमिटी का नोटिफिकेशन हुआ। जी उस ये जब नोटिफिकेशन हुआ, पंचायती राज डिपार्टमेंट जो उड़ीसा का है वो भी एक साइड में एक नोटिफाई करें कि ग्राम सभा में जाके फॉरेस्ट राइट कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करना है। ओके, हाँ वो भी एक नोटिफाई करें पंचायती राज डिपार्टमेंट से कि हर ग्राम पंचायत का जो सेक्रेटरी है, जो सरपंच है, ओके, हर गांव में जाके लोगों के साथ बात करेंगे, बात करने के बाद जाके वहां पर फॉरेस्ट राइट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगा। तो ये जी प्रोसेस हम लोगों का पूरा फेब्रुआरी में शुरू हो गया। जब फेब्रुआरी में ये प्रोसेस शुरू हुआ, उसके बाद स्टे ऑर्डर आ गया, फिर भी स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया पूरा लॉ के ऊपर स्टे नहीं है, तो इससे लेके आगे क्या किया ना, ये कमिटी का कॉन्स्टिट्यूशन का शुरू हुआ था उड़ीसा में। ओके, जी अगर जस्ट हम आपको देंगे अभी उड़ीसा में जो स्थिति है, यस उड़ीसा इंडिया में एक नंबर 1 स्टेट के हिसाब से दिखाई जा रहा है इन टर्म्स ऑफ द जी फॉरेस्ट राइट क्लेम को लेके। हम लोगों का अभी 6.23 लाख का क्लेम आया है, उसमें से 4.41 क्लेम जो टाइटल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उड़ीसा में। अगर आप अच्छा देखेंगे इंडिया में सबसे लोएस्ट रिजेक्शन रेट है उड़ीसा का, सबसे लोएस्ट, एंड रेट ऑफ अच्छा अप्रूवल इज क्वाइट हाई पर्टिकुलरली अच्छा इन उड़ीसा में अगर आप देखेंगे, क्योंकि इसका प्रोसेस का हम आपको बताएंगे कि किस तरह ये इस तरह कैसा हुआ है। एंड सेकेंड है कि जो दूसरा जो कहे कि जो कम्युनिटी राइट का अगर आप क्लेम देखेंगे उड़ीसा में, जितना IFR में इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट में हुआ है उतना नहीं हो पाया कम्युनिटी फॉरेस्ट कम्युनिटी में राइट में। तो बहुत जी बहुत जी कम हुआ है कम्युनिटी राइट में अगर आप देखेंगे कि। एंड उड़ीसा में सर एक सबसे अच्छा हुआ है कि उड़ीसा में जब ये काम शुरू हो रहा था, जो ट्राइबल डिपार्टमेंट इज आवर नोडल डिपार्टमेंट, ओके, जी द जी यहाँ पे ट्राइबल नोडल डिपार्ट डिपार्टमेंट हाँ यही पर ट्राइबल डिपार्टमेंट इज अ नोडल डिपार्टमेंट। एक खासियत उड़ीसा गवर्नमेंट में क्या है जो ट्राइबल डिपार्टमेंट का, आपका इंडिया में कहीं पर आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि हम लोग का स्टेट होता है, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट रहता है, उसके बाद ब्लॉक रहता है, ओके, जो हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव का बिल्कुल पॉइंट में, जो ट्राइबल जी जी डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर है ना, अप टू ब्लॉक लेवल तक है। आप इंडिया में अच्छा कोई भी स्टेट में आपको नहीं मिलेगा, उड़ीसा नहीं में मिलते ओनली आपको मिलेगा जो ब्लॉक लेवल तक
जो वेलफेयर एक्सटेंशन ऑफिसर होते हैं ना, दे आर फ्रॉम द ट्राइबल डिपार्टमेंट। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में जब नोडल एजेंसी ट्राइबल डिपार्टमेंट रह गया, देन आप अगर देखेंगे उनका ह्यूमन रिसोर्सेस ब्लॉक तक है। तो ये थोड़ा बहुत आसान हो गया इस प्रोसेस को आगे लेके जाने के लिए। अगर हम जी कुछ बात आपको रखेंगे, जैसे कि ये फॉरेस्ट राइट एक्ट बोला कि ग्राम सभा लेवल में फॉरेस्ट राइट कमिटी कॉन्स्टिट्यूट होगा। ओके, अगर आप विलेज का जो डेफिनेशन है अगर देखेंगे, उसमें ये लिखा गया कि जो शेड्यूल्ड फिट एरियाज है, जो पैसा का हिसाब से वहां पर ग्राम सभा होगा, माने एफआरसी माने दैट हैज टू कंसीडर एज ए ग्राम सभा। जो नॉन पैसा एरिया है, जो स्टेट का पंचायत एक्ट है, जो स्टेट पंचायत राज एक्ट है, उसी के हिसाब से ग्राम सभा होगा। बट अगर आप देखेंगे उड़ीसा में क्या हुआ है ना, उड़ीसा में जो ग्राम सभा बोलते हैं ना, ग्राम पंचायत को बोला जाता है। अच्छा ओके, बट नेवर बीन कंसिडर द विलेज एज ए यूनिट। बट उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम पैसा एरिया के लिए, जो शेड्यूल फिफ्थ एरिया के लिए, विलेज को क्यों ऑनली बनाएंगे ग्राम सभा के हिसाब से, और नॉन शेड्यूल एरिया को पंचायत को करेंगे। एंड पंचायत यहीं पर बहुत बड़ा बड़ा है, एंड बहुत सारा गांव उसके अंदर है, एंड इस लॉ को लेके लागू करने में बहुत परेशान होगा। तो पहला गवर्नमेंट उड़ीसा में जो सर्कुलर किए, जितना हम लोग का हैबिटेबल है, जो विलेजेस है, रेवेन्यू विलेजेस, दैट हैज बीन हाँ, कंसिडर्ड एज ए ग्राम सभा, एज ए ग्राम सभा। जी एज ए ग्राम सभा। ओके, तो वहां पर बोला गया कि आप जाके, जैसे कि आप अगर देखेंगे, अगर बहुत सारा स्टेट में, अगर आप छत्तीसगढ़ देखेंगे, मध्य प्रदेश, झारखंड देखेंगे, वो अभी जाके ग्राम सभा में किए हैं। एंड उड़ीसा अगर आप सारा देखेंगे, ओनली एक ही स्टेट है, अगर कोई भी गांव में जंगल जमीन है या नहीं है, पूरा गांव में एफआरसी हुआ है। बट इंडिया जी में ऐसा कोई भी एक स्टेट नहीं है जहां पर देव कवर्ड 100% विलेजेस, ओनली उड़ीसा जी में जी ये हुआ है। एंड ये उड़ीसा हुआ में है। सेकंड देखिए, हम लोग का बहुत सारा गांव जो जंगल के अंदर है, जो अनसर्वेड है, फॉरेस्ट विलेज के हिसाब से है। ओके, सो उड़ीसा गवर्नमेंट ऑल्सो डिक्लेयर्ड कि दोज आर द हैबिटेशन कैन ऑल्सो ए ग्राम सभा। अगर वहां पर एक भी बंदा है, एक फैमिली भी है, दैट कैन ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट एज ए ग्राम सभा। ग्राम सभा सो एक भी बंदा है जी। अच्छा एक भी बंदा भी है, दैट कैन कॉन्स्टिट्यूट एज ए ग्राम सभा। सो उड़ीसा का ये जो आप अगर देखेंगे, ये पहला दिन से ये डिसीजन पूरा हुआ था। सेकंड है कि अगर आप देखेंगे, जो ट्राइबल है, जो क्लेम आपको सबमिट करेंगे, दे हैव टू गिव ए कास्ट सर्टिफिकेट। सही ओके, है। तो कास्ट सर्टिफिकेट बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके पास अगर जमीन है तो भी जाके आपको कास्ट सर्टिफिकेट मिलेगा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। हाँ बट वो बहुत एसटी सारा, का यहाँ भी दिक्कत आ रही है कि बहुत सारे लोगों के पास एसटी नहीं है। एसटी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं, मतलब बहुत सारे गांव ऐसा भी है जहां पर कास्ट सर्टिफिकेट एसटी बावजूद होने के बावजूद भी उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। नहीं बट है। जी। उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक डिसाइड, बहुत अच्छा डिसीजन लिए कि जो ग्राम सभा को ऑथोराइज कर दिए कास्ट सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। ये इंडिया में अच्छा, कहीं पर नहीं हुआ है। वो इन बोलेगा दिस ग्राम, सिर्फ सिर्फ ये फॉरेस्ट के लिए, राइट के लिए उन्होंने लोग ओनली किया। फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए, दूसरे के लिए ओके नहीं, ओके ओके ओनली ओके फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए। फिर उसमें से रख दिए एक क्लॉज, जे अगर कहीं पर डाउट होगा तो एचडीएलसी उसको फिर एनालिसिस कर सकता है। एचडीएलसी ओके, कौन सा हो गया? सब डिविजनल लेवल कमिटी जो, ठीक है, वो अगर कहीं डाउट होगा वो कर सकता है। ठीक हाँ, वो उसको ये कर सकते। मेरा बात है कि ये एक जो डिसीजन था ना, बहुत सारे लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था। तो इस जी। प्रोसेस में जब कास्ट सर्टिफिकेट ग्राम सभा को दे दिया गया, तो ग्राम सभा के पास जब ये अथॉरिटी आ गया ना, क्लेम फाइलिंग में बहुत स्पीडी हो इजी पाया उड़ीसा में। स्पीडी हो गया। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो सेकंड है कि अब फॉरेस्ट राइट एक्ट में एविडेंसेस आपको चाहिए अगर जो एविडेंस भी क्लेम चाहिए। कर। जी तो जी इसमें जी मेरा बात है, स्टेट गवर्नमेंट ने एक डिसाइड केस ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को चिट्ठी करे, आपके पास अगर किसी के नाम पर जितना फॉरेस्ट केसेस है, ओके, कभी भी हुआ है, वो सब निकाल के ग्राम सभा को दे दीजिए। जी, वो यहां भी तो चल रहा है। ताकि जी जो भी ट्राइबल होते हैं ना, वो बहुत उराल है, वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनके लिए कुछ पास नहीं नहीं चाहिए, होता है। बिकॉज उनका वर्ल्ड व्यू समथिंग डिफरेंट। ओके, सो ये जी वाला एक लिए है। और सेकंड है कि जैसे कि आपको मालूम होगा, वर्किंग प्लान जो होता है, वहां पर एक हाँ प्रिविलेज कंसेशन का एक प्रोविजन रहता है।
जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट के लिए दैट कैन ऑल्सो बी एडेड एज एविडेंस के हिसाब से। सो ये जी वाला का मेरा बात है, उड़ीसा गवर्नमेंट का बहुत अच्छा एक लिया। और सेकंड है कि अवेयरनेस, ये बहुत, क्योंकि अगर इससे आगे आप नहीं जा पाएंगे। हम लोग का स्टेट में सर एक ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ओके। जी सो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट को दिया गया है, आप ट्रेनिंग का प्रोग्राम आप डिजाइन कीजिए, मॉड्यूल क्या अच्छा रहेगा, ग्राम सभा मेंबर के लिए क्या मॉड्यूल रहेगा, एफआरसी मेंबर के लिए क्या मॉड्यूल नहीं क्या हो रहेगा, ठीक और जो फ्रंटलाइन ऑफिसर्स है, जो पटवारी होते हैं ना, आरआई, रेवेन्यू जी जी इंस्पेक्टर, फॉरेस्ट जी जी गार्ड, फॉरेस्टर हाँ हाँ के लिए क्या मॉड्यूल रहेगा, नहीं तो डीएफओ के लिए क्या मॉड्यूल रहेगा। सो डिफरेंट टायर का जो ऑफिसर्स है जो इन्वॉल्व है डिफरेंट प्रोसेस में, उनके लिए जी पूरा ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया गया और उनको ट्रेनिंग दिया गया। इवन मेरा बात है कि जो पंचायत का जब एफआरसी कॉन्स्टिट्यूट हुआ था ना, उससे पहले जी जो पंचायत का जो सरपंच थे और जो सेक्रेटरी जी थे उनको ट्रेन किया गया एंड एक हैंडआउट दिया गया कि अगर आप एफआरसी क्या है, कैसे आपको कॉन्स्टिट्यूट करना है, एक ट्रेनिंग किया गया, उनको एक रेफरेंस मटेरियल दिया गया उनका बैग के अंदर, ताकि जब बैक के वो अंदर गांव में जाके एफआरसी कॉन्स्टिट्यूट करें सो दे हैव द रेफरेंस मटेरियल उनके साथ। जी ये मेरा बात है कि बहुत अच्छी तरह से उड़ीसा गवर्नमेंट ने किया है कि ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट यहीं पर है। सेकंड है कि हम लोग का जो ट्राइबल है, बहुत सारे ट्राइबल इवन जो उड़िया लैंग्वेज होता है स्टेट का जो लैंग्वेज, उनका समझ में नहीं आता है, ओके। सो उसमें क्या जी किया ना, दो तरीका का प्रोसेस हुआ। एक तो पिक्टोरियल का बनाया गया पूरा एंटायर प्रोविजन को लेके, आपको अगर आयकर अच्छा क्लेम कैसा करना है, क्या करना है, स्टेप वाइज जो पिक्टोरियल में किया गया, ताकि पीपल कैन रेफर वो पिक्चर देख के। ओके अच्छा सेकंड है कि इस तरह का, जैसे कि आपको दिखाई जो पोस्टर्स है वो पोस्टर्स भी बना है। एंड और अच्छा एक कि जो ट्राइबल डायलेक्ट है, हम लोगों का उड़ीसा में 72 टाइप्स ऑफ ट्राइबल्स है, हम लोग का करीबन जी 80 से 90 ट्राइबल डायलेक्ट्स है उड़ीसा में, ओके। जो जी मेजर डायलेक्ट है ना, उसमें भी जो फॉरेस्ट राइट एक्ट और रूल्स को उस डायलेक्ट में भी ट्रांसलेट किया गया, अच्छा ताकि अच्छा आर डायलेक्ट में जी हाँ, तो ताकि वो लोगों को समझ में आए, क्योंकि उड़िया में लोगों को, हर कोई उड़िया का लैंग्वेज उनको मालूम नहीं है, तो जी ट्राइबल डायलेक्ट में दिया गया था ताकि वहां पर वो लोग करें। एंड सेकंड है कि हम लोगों का यहीं पर क्या होता है ना, हर साल ट्राइबल फेयर होता है, तो काफी सारा वुमेन हाँ आते हैं एसएससी ग्रुप, तो उनको जो ट्राइबल फेयर 10-15 दिन उड़ीसा में होता है ना, पूरा इनहाउस ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि ट्राइबल फेयर 2 बजे से शुरू होता है, तो सवेरे से 2 बजे तक पूरा मैनुअल करके उनको पूरा एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जा रहा है। ये तो ट्राइबल अच्छा डिपार्टमेंट का गया। सेकंड है कि जी जैसे कि हर स्टेट में ओएस ट्रेनिंग एकेडमी होता है, सो हम लोग का स्टेट में गोपोबंधु एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जो ओएस लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। सो गोपोबंधु ओके जी एकेडमी जो ओएस का ट्रेनिंग में, उनका मॉड्यूल के अंदर भी ये रखा गया, जो आईएफएस वहां पर ट्रेनिंग दिया जाता है, सभी को ट्रेनिंग दिया ओके जाता है जब ट्रेनिंग पार्ट में, सो उनको वहां पर एक कोर्स करिकुलम मॉड्यूल के अंदर रखा गया। सेकंड है रखा कि जो गया पुलिस डिपार्टमेंट है, आपको मालूम है उड़ीसा का काफी सारा एरिया पहले LWAE के अंदर थे, सो जो लेफ्ट विंग्स का एक्सट्रीमिज्म का एरिया बहुत था, सो पुलिस को भी ट्रेनिंग दिया गया। पुलिस का जो एकेडमी है उसमें भी आपका, अगर आप देखेंगे ना, फॉरेस्ट राइट एक्ट इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रेनिंग मॉड्यूल फॉर देम। जी जी सो मेरा बात आ है, फॉरेस्ट राइट एक्ट में पुलिस का कहीं पर रोल नहीं है, बट पुलिस जी को भी ये भी सेंसिटाइज किया गया, क्योंकि ये जब जमीन के बारे में बात आ रहा है, जंगल के बारे में बात आ रहा है, कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, हाँ तो मेरा बात उनको भी हाँ, उनको भी ट्रेन किया गया। और सेकंड है कि उड़ीसा गवर्नमेंट का जो सरप्लस ऑर्डर जा रहा था, क्या अगर ट्राइबल डिपार्टमेंट से जा रहा था, कलेक्टर के पास जा रहा था, बट कलेक्टर का नीचे कभी भी नहीं गया, तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने उस प्रोसेस को आगे लेके जाने के लिए हर साल हम लोग एक उड़ीसा का जो फॉरेस्ट ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो एक कॉम्पिटियम लेके आते हैं, एंड उड़ीसा का जो वेब पोर्टल में ऑल द ऑर्डर सर्कुलर्स वो पूरा अवेलेबल अभी हो गया है, इंग्लिश में है, अच्छा उड़िया में भी हाँ जी है, ताकि हाँ जी एक कॉमन पर्सन कैन डाउनलोड, उनको मालूम पड़ जाएगा क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या क्या सर्कुलर गया, कौन दिया है। इवन हम लोगों का स्टेट एविडेंस गवर्नमेंट, जी जी हाँ स्टेट गवर्नमेंट ने ये भी इंस्ट्रक्शन दिया है, हर डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट वेब पोर्टल रहता है, अगर डीएलसी कुछ भी सर्कुलर इशू करते हैं ना, वो भी अवेलेबल होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट वेब पोर्टल में। अच्छा सो मेरा बात है कि मतलब डिस्ट्रिक्ट
ठीक है, आपने कहा कि तमाम, हेलो, हाँ सर, हाँ सर, आपने आपने कहा कि तमाम जो आपके वहां पोर्टल हैं उन सब में ये चीजें आ रही हैं, डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल में आ रही हैं, हर जगह से हाँ पोर्टल में आ रही हैं। तो हाँ सर, मतलब कि हाँ सर, एक एक तो यहाँ हमारे यहाँ ट्राइबल डिपार्टमेंट है, एक डिस्ट्रिक्ट है, तो कोई भी हाँ ऑर्डर आ रहा है तो वो डिस्ट्रिक्ट पे भी आ रहा है, ये आपका कहने का हाँ मकसद है। हाँ 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 और हाँ दूसरा 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 हमने पूछना है कि कोई लोग हैं इसमें, तो ये बताया गया है कि जो लोग फॉरेस्ट पे रह रहे हूं, हमारे यहाँ कुछ घुमक्कड़ जातियां हैं जो कि कुछ लोगों के पास कहीं भी जमीन नहीं मगर वो फॉरेस्ट में घूम रहे हैं। हाँ सर, मेरा बात है कि अगर आप, जैसे कि आपका पहला एपिसोड में हम देखे थे, जैसे कि मेरा बात है कि फॉरेस्ट राइट आर्ट को अगर आप देखना चाहेंगे ना, आई ऑलवेज से कि फॉरेस्ट राइट आर्ट में जो सेक्शन 3 में लिखा गया जो राइट्स का, दोज आर द एग्जाम्पल्स। फॉरेस्ट राइट आर्ट इज ए रियली ए ब्लैंकेट चेक टू द कम्युनिटी। ओके, जी क्योंकि जी अगर आप देखेंगे जो प्रियाम्बुल में लिखा गया कि जो सेटलमेंट होता है, वो सेटलमेंट या जो भी डिटर्मिनेशन होता है वो गवर्नमेंट का ऑफिसर करते हैं। एंड जी गवर्नमेंट जी ऑफिसर जब करते हैं कि क्योंकि उनको पार्टिकुलर उस कम्युनिटी के बारे में ही मालूम नहीं है। अगर आप देखेंगे जी कोई भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, जम्मू कश्मीर का कैडर भी ऑल्सो उड़ीसा में भी आए हैं, या महाराष्ट्र का भी लोग उड़ीसा में भी कलेक्टर हैं, बट इट इज हार्डली जी दे नो अबाउट द उड़ीसा का पीपल, उड़ीसा का कल्चर के बारे में। तो इसलिए जो जी फॉरेस्ट राइट एक्ट में अगर आप देखेंगे जो ग्राम सभा को दिया गया है जो अथॉरिटी टू डिटरमिन द एक्सटेंट एंड नेचर, इसलिए अगर आप देखेंगे वहां पर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं है, ताकि ग्राम सभा अपना जो कल्चर है, अपना जो वैल्यूज है, जिस तरह का उनका साथ जंगल के साथ नाता है, तो ग्राम सभा इज द बेस्ट यूनिट जो बता सकते हैं। तो इसलिए मेरा बात है कि जो घुमंतु के लिए अगर आप देखेंगे एक स्पेशल प्रोविजन फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर रखा गया है, जिसको डीएलसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया गया है। इट इज नॉट ओनली द, मेरा बात है कि क्योंकि हम लोग का यहीं पर कुछ कम्युनिटी है जो घुमंतु है, बट दे आर नॉट अ हाँ पेस्टोलिस्ट, दे लाइक द जी बिरोहर, लाइक द बिरोहर कम्युनिटी व्हिच इज ऑल्सो हाँ पीवेटीज। जैसे कि आपका अगर जी देखें मांकड़िया सार ऑल्सो घुमंतु का ग्रुप के अंदर आ रहे हैं, उनका गांव नहीं है, उनका कुछ भी नहीं, नहीं कुछ है। तो भी नहीं अगर है। उनका, ऐसे हाँ, ऐसे में क्या क्या किया जाए, तो क्या इसलिए मेरा किया जाए। बात है कि फॉरेस्ट राइट रूल्स में जो अमेंडमेंट रूल्स में है, अमेंडेड रूल्स में एक प्रोविजन भी रखा गया जो डीएलसी होता है, डीएलसी हैज टू जी आइडेंटिफाई कि उस तरह का कम्युनिटी कौन कौन है। ओके, जी उस कम्युनिटी का उनका कोई ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है क्या? अगर उनका कोई जी ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है या ट्रेडिशनल लीडर्स है, पहले तो उनके साथ ही वो बात करेंगे, जी बात करके फिर वो एक प्रोसेस शुरू करेंगे वो कहाँ कहाँ पर जाते हैं। जैसे कि हाँ उड़ीसा में सर, एक जो बिरहोर या माकड़िया कम्युनिटी जो है उड़ीसा में, वो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है जो नॉर्थ साइड में है। वहां पर जब कलेक्टर थे, तो कलेक्टर पहले तो पूरा वो जो उनका एक स्टडी करवाए, ये जो कम्युनिटी है इनका नेचर क्या है, इनका क्या अच्छा सोशल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इनका पैटर्न ऑफ लिविंग क्या है, एक छोटा क्या सा स्टडी करने के बाद देन दे आइडेंटिफाइड कौन सा गांव में ये लोग जाते हैं और कौन सा जंगल के अंदर जाते हैं, इनका कोई ट्रेडिशनल लीडर्स है क्या, तो उनको हाँ टैपिंग करना शुरू करें, तो वहां से पूरा लिंक वो एस्टैब्लिश कर पाए कि कहाँ कहाँ पर ये कम्युनिटीज है और कहाँ कहाँ पर वो लोग जाते हैं। फिर उनके साथ बैठ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर खुद उनके साथ बैठ के पूरा एक्सरसाइज करे 2 दिन, तभी जाके जी वो उनको मालूम पड़ा कि ये कम्युनिटी समर सीजन में यहीं पर रहते हैं, विंटर सीजन में यहीं पर रहते हैं, या दूसरा सीजन में उस जंगल के अंदर जा रहे हैं, चले जा तो रहे हैं। उनका पूरा एक मैप वो बना पाए। सो सर, हम आएंगे उससे ये को लेके। सेकंड है कि जो सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम का जो ये था, जैसे आपको बताया, ये सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम नॉट ओनली जो क्लेम फाइलिंग को लेके नहीं भी था, इवन जो क्लेम जो फैसिलिटेशन करेंगे, क्योंकि देखिए कि जो जंगल के साथ है महिलाओं के साथ ज्यादा है। ओके, हाँ सो वन मैडम, ऑफ द हाँ कलेक्टर हैज डिसाइडेड जो आरआई अमीन रहेंगे, जो फ्रंटलाइन ऑफिसर जो जाकर फैसिलिटेट करेंगे, वो कुछ वुमेन को भी लेके आए उसके अंदर, ताकि वुमेन के साथ इंटरेक्शन हो, वुमेन का भागीदारी उसके प्रोसेस के अंदर रहे। सो सही है मेरा बात मैडम, है, ये पूरा एक यूनिक प्रोसेस उड़ीसा में
शुरू हुआ था, इवन उनको कैसे डिमार्केशन करना है, कैसे मैपिंग करना है, ग्राम सभा का जो ट्रेडिशनल बाउंड्री बताते हैं वो अपना लैंग्वेज में बताते हैं, वो कोई भी बुक में हाँ आपको रेफर में नहीं मिलेगा। नहीं तो करते, नहीं उस नहीं करते। हाँ वो कस्टमरी बाउंड्री का क्या कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, ये पूरा ट्रेनिंग के अंदर ऑफिसर को के साथ, इवन बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम देखे हैं जो ट्रेडिशनल लीडर को देव इनवाइटेड एज ए रिसोर्स पर्सन। ओके, जो ओके गांव का जो ट्रेडिशनल लीडर होते हैं ना, उनको जी जी ट्रेनिंग में फ्रंटलाइन ऑफिसर को जब ट्रेनिंग दिया जाता है उनको लेके आए एक रिसोर्स पर्सन के हिसाब से, ताकि वो अपना जियोग्राफी वो बारे में, अपना कम्युनिटी के बारे में बता सके गवर्नमेंट ऑफिसर को, ताकि उनका अंडरस्टैंडिंग आए, ताकि जब वो जाएंगे फैसिलिटेशन करने के लिए उनको भी आसान हो जाएगा। सो दिस जी इज मेरा बात है कि एक ये, और सेकेंड है कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने और एक काम अभी भी किया, आगे पहले था कि एक सैचुरेशन का अप्रोच शुरू हुआ था। ओके, लाइक एक पंचायत को लिए, एक यूनिट के हिसाब से वहां का सरपंच, ऑल द एफआरसी मेंबर का जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होते हैं उनको लेके आए, चेयर एक फॉरेस्टर, एक रेवेन्यू इंस्पेक्टर, इनको एक टीम बनाए। तो एक गांव से शुरू करेंगे, वहां पर आईएफआर, सीआर, सीएफआर पूरा खत्म होगा, फिर सेकंड गांव को जाएंगे। ये जो सैचुरेशन मूड है, एक पूरा टीम टीम जाके इसके ऊपर काम करेंगे, और उसके साथ जो मैप होता है, बहुत टाइम में जीपीएस मैप होना पड़ता है, क्योंकि जो रेवेन्यू मैप है आप प्लेन टेबल मैप में कर देंगे, बट जो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर जो लैंड अंडर ऑक्यूपेशन है या सीएफआर का बाउंड्री बनाना है, उसके लिए द पीपल आर यूजिंग द जीपीएस मशीन। सो जीपीएस मशीन कैसे हैंडल करेंगे उसके ऊपर भी ट्रेनिंग दिया गया कम्युनिटी यूथ को। तो अच्छा उसमें ओके मेरा बात है कि और हर डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या, एक एफआरएस सेल बना दिए, एफआरएस सेल में जो रीडिंग होकर आएगा मैप वो जाएगा एफआरएस सेल को, एफआरएस सेल में जीआईएस का एक्सपर्ट है जो मैप पूरा बनाएंगे, मैप बनाने के बाद फिर गांव को जाएगा रीचेक के लिए। रीचेक के लिए फिर जी रीचेक के लिए, क्योंकि हम भेज दिए, फिर हम आके मेरा मशीन में आई कैन उसको इधर उधर भी कर सकते हैं। तो उसमें जो मैप होता है ना, जो लोकल लैंग्वेज है, जो लोकल जो पॉइंट लोग डिटरमिन किए उसको भी लिखा गया है कि आपका सही है ये साउथ में ये है, नॉर्थ में ये है, तो ताकि लोग जो टाइटल उड़ीसा में दिया जाता है, टाइटल के साथ ये जो जीपीएस में से जो जीएस मैप दिया जाता है उसके साथ उनका जो हैंड स्केच मैप है ना उसको भी दिया जाता है, ताकि लोगों के पास रेफरेंस के लिए अच्छी तरह से करें। अच्छी तरह से करें जी और सेकंड है कि उड़ीसा गवर्नमेंट, जैसे कि हम आपका इसके लिए भी बनाए हैं, जहां जम्मू कश्मीर के लिए भी बताएंगे आपको, उड़ीसा में एक अभी एफआर एटलस बनाया गया है कि उड़ीसा में जितना गांव है, कितना गांव के अंदर फॉरेस्ट लैंड है, कितना गांव के अंदर फॉरेस्ट लैंड नहीं है, कितना गांव जो रिजर्व फॉरेस्ट के आसपास में है। जी तो जिसको पोटेंशियल फॉरेस्ट माने पोटेंशियल विलेजेस के हिसाब से, ताकि उड़ीसा गवर्नमेंट ने एफआरए के लेके एक एटलस बना है हर डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल तक, इवन जीपी लेवल तक वो मैपिंग हुआ है, कौन सा गांव है आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां हाँ पर हाँ जमीन है। अगर नहीं, अगर जी कोई भी लोग खेती नहीं कर रहे हैं, टू गेट ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द ग्राम सभा, ग्राम सभा एक लिख के दे दे कि मेरा यहीं पर जो जंगल जमीन है कोई खेती नहीं कर रहा है, तो ताकि वहां से मालूम पड़े कि नहीं कोई भी लोग वहां पर लेफ्ट आउट नहीं है। नहीं है तो नहीं ये है वाला का मेरा बात है, ये अटलास जी का जी ही। एक हमारे यहाँ दिक्कत आ रही है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैंड। क्या सारी वही लैंड आ रही है जो कि फॉरेस्ट के अंडर है, डीम्ड फॉरेस्ट, या फिर कुछ जमीनों को जंगल लिखा गया है, या कुछ जमीनें जंगल जैसी हैं? जम्मू कश्मीर में कुछ तो फॉरेस्ट की लैंड है, कुछ जमीनों को जंगल लिखा गया, किस्म जमीन जंगल जाड़, या कुछ मौके पे जंगल है, इसके बारे में क्या आप कहेंगे? उड़ीसा सर में क्या इसमें रहा? मेरा बात है कि उड़ीसा गवर्नमेंट का जो डेफिनेशन है, ये सबसे मेरा बात है कि इंडिया में सबसे बेस्ट डेफिनेशन उड़ीसा गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है। सर आपको जी मालूम होगा 97 में जो गुदा बोरमन का केस चल रहा था, जो फॉरेस्ट केस में जी जो जी जी सुप्रीम कोर्ट ने लिखा जी था जी कि सुप्रीम उसके बाद के कोर्ट ने लोगों, लिखा हाँ, डिक्शनरी तो उसमें सर डिक्शनरी एक का ओपिनियन। 97 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था हर स्टेट को। आपके अच्छा पास अच्छा ऐसा कोई जमीन है जो जंगल का जमीन नहीं है बट वहां पर जंगल है, हाँ हाँ जो माने जी जी नॉट रिकॉर्डेड फॉरेस्ट लैंड बट वहां पर जंगल है, उसका भी आप एक एनुमरेशन करके दीजिए।
इसलिए हर अच्छा डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कलेक्टर थे उनका चेयरपर्सन में कमिटी हुआ था पूरा इंडिया में, पूरा इंडिया में। इवन आई जी आप अगर चेक करेंगे भी जम्मू कश्मीर में हुआ होगा उस तरह का कमिटी की जो आइडेंटिफाई करना है। उड़ीसा गवर्नमेंट का जो डेफिनेशन है जो फॉरेस्ट राइट एक्ट का है उसको लेके आए हैं, उसमें वो लिखे पूरा क्लियरली जो रिजर्व फॉरेस्ट है, जो डीम रिजर्व फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जो अनडिमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, डिमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, ऑनक्लास फॉरेस्ट है, सेंचुरीज है, नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, ये सब में अगर वहां पर अगर कहीं पर जंगल नहीं है बट दैट हैज बीन रिकॉर्डेड एज ए फॉरेस्ट लैंड। ओके, तो वो और कहीं है सर और एक सर इंटरेस्टिंग बात उड़ीसा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, आपका मालूम है कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 24 अक्टूबर 1980 में लागू हुआ था, एटी जी। उससे पहले लैंड बिकम द स्टेट का सब्जेक्ट के अंदर था। ओके, अच्छा कॉन्क्लेव का पहले स्टेट का सब्जेक्ट, तो तभी सरकार किसी जमीन को जो सेटलमेंट प्रोसेस में भी चेंज कर सकते थे, ये फॉरेस्ट जमीन से दूसरा भी जमीन वो कन्वर्ट कर सकते थे। चेंज कर सकते हैं। जी। हाँ, तो उसमें मेरा बात है कि हम लोग का बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट में जो सेटलमेंट प्रोसेस हुआ था वो 75 में शुरू हुआ था, वो खत्म होते होते 1980 के बाद हुआ है जो फाइनल जी। पब्लिकेशन। तो उसमें जो जो जहां पर पहला था जो पुराना रिकॉर्ड में जंगल का किस्म लिखा गया था बट नया सेटलमेंट में उसको जंगल किस्म में नहीं चेंज रखा, वो किस्म चेंज चेंज हो किया गया गया। था। तो उड़ीसा तो गवर्नमेंट ने ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने सर ये डिसाइड किया जो 24 अक्टूबर का पहले जो अगर जमीन जंगल किस्म में था 24 अगर उन्नीस अक्टूबर सौ अक्टूबर ऑफ अस्सी व्हाट 1980। 80 का पहले जो जमीन था जंगल का अगर जी। सेटलमेंट के बाद 1980 के बाद कोई भी रिकॉर्ड पब्लिकेशन हुआ है सेटलमेंट का अगर चेंज हो गया है किस्म, ओके, जी। दैट इज इलीगल, दैट इज इलीगल, दैट कैन बी आल्सो कंसीडर एज ए फॉरेस्ट लैंड। फॉरेस्ट लैंड। ओके। मतलब हाँ, अगर कहीं भी चेंज हुआ है, कभी भी चेंज हुआ कहीं है। भी चेंज हुआ, कहीं भी चेंज हुआ है, ये पूरा क्लारिफिकेशन। अगर सर आप कभी उड़ीसा का ट्राइबल डिपार्टमेंट को जाएंगे उनका जो कंपोडियम है अगर आप डाउनलोड कर देंगे ना, ये सब ऑर्डर आप हम जितना आपके सामने रख रहे हैं ऑल द ऑर्डर्स आर अवेलेबल इन द उड़ीसा गवर्नमेंट का वेब पोर्टल में। जी। अच्छा एक मुझे ये बताए जी, कि ये हाँ जो गैप्स हैं, गैप्स हाँ बिटवीन गवर्नमेंट एंड ट्राइबल्स, मतलब जो सबसे बड़ा इश्यू बन रहा है कि ट्राइबल कुछ कह रहा है, गवर्नमेंट कुछ कह रही है, हाँ सर तो सर इसमें सर इसमें क्या है? सर इसमें मेरा बात है कि सर इसका अगर आप देखेंगे इसका जो प्रॉब्लम होता है ना, जो इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन का प्रोसेस में जब शुरू होता हो रहा था सर, दिस लेजिस्लेशन आपको मालूम है पार्लियामेंट ने पास किया है पास किया बट है। इट्स ए पॉलिटिकल लेजिस्लेशन सर, ये पॉलिटिकल लेजिस्लेशन है, ये वेलफेयर लेजिस्लेशन नहीं है। ओके, हम क्या हिंट करना चाहते हैं आपको समझ में आ जाना चाहिए, हम पूरा उसको खोल के भी नहीं रखेंगे क्योंकि बहुत सारा स्टेट में अगर आप मैपिंग करेंगे, हम एक एनालिसिस कर रहे थे, जब इलेक्शन होता है ना उससे पहले बहुत सारा टाइटल दिया जाता है, अच्छा इलेक्शन खत्म अच्छा हो गया पर टाइटल ऑन नहीं है टाइटल हो गया। सर। ये आप जो भी स्टेट को आप मैपिंग करेंगे, ओके, यू कैन गेट ए सिमिलर आउटपुट, आपका रिसर्च का आउटपुट ये आएगा, ये दिस इज ए सही वन ऑफ द है मेजर फाइंडिंग। ये मेरा सही बात है। है कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टेट ये फॉरेस्ट राइट एक्ट में अगर देखेंगे आईएफआर को ना, दे कंसिडर एज ए वोट बैंक। ओके, अगर हम उनको पट्टा दे देंगे ना मुझे तो वोट तो मिल जाएगा, तो ये प्रोसेस को अगर आप देखेंगे बहुत सारा सर। सेकेंड है कि ये जो लॉ होता है ना ये जमीन का किसी को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं है। नहीं है। हम लोग को सर हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए पहली बार इंडिया में अगर लॉ का प्रियम्बल को आप पढ़ेंगे इसमें बोला गया है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स क्रिएट हो रहा है। ओके, ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कौन करेगा, ग्राम सभा ने करना है। तो अपना फ्यूचर अभी ये जो आपके पास अभी लॉ है आपका फ्यूचर को यू आर राइटिंग, सही है। आज अगर आप नहीं लिख पाएंगे अपना कल्चर के बारे में, आपका एक्सेस के बारे में, आपका कॉस्टम के बारे में, ये और कभी भी नहीं होगा सर।
सही है, सही है, बिल्कुल सही इसे है। मेरा बात है कि ये जो फॉरेस्ट राइट आर्ट को एक दौड़ में लगा दिए, कौन सा स्टेट कितना टाइटल दिया गया है, ये जो कंपटीशन हो रहा है ना अभी इंडिया में, सही है। दिस इज मेरा बात है कि जो फॉरेस्ट राइट आर्ट का जो स्पिरिट है वो पूरा खत्म कर चुका है। क्योंकि मुझे मेरा इस बात है कि जी सर मुझे मेरा इसमें ये जस्ट जी छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहे हैं, मेरा स्टेट में 62 टाइप्स ऑफ ट्राइब्स है। ओके, अगर आप जी जाएंगे हर ट्राइब का अपना जो वर्ल्ड व्यू डिफरेंट होता है, तो मुझे गाइडलाइन 62 टाइप्स ऑफ गाइडलाइन निकालना चाहिए, सही है, क्योंकि हर ट्राइब अलग पूरा अलग होते हैं। जैसे सही है, पास्टोरलिस्ट कम्युनिटी का वे ऑफ लुकिंग द फॉरेस्ट एंड उनका जो एक्सेस है, यूज है, वो टोटली डिफरेंट है डिफरेंट जो सेटल है ट्राइबल जी, के हिसाब से। सेटल्ड सो ट्राइबल के साथ। मेरा बात है कि ये पूरा, इसलिए हम जम्मू कश्मीर में जब ये बात हो रहा था कि जम्मू कश्मीर को तो पहले जितना जो कम्युनिटीज है पहले तो उनके बारे में लिखा जाए, उनका जो सही है, कल्चर है उसके बारे में पूरा डॉक्यूमेंट किया जाए, उसके बाद जाके कानून को लागू किया जाए। क्योंकि सही है। कानून अच्छा में जो सेक्शन मुझे फोर मुझे फाइव है, जी यस जी सर, जी ये जी सर प्लीज। मुझे हाँ मुझे ये पूछना है कि इंटर स्टेट क्लेम्स का क्या हुआ फिर, जो मतलब कि एक ट्राइब है, या जैसे हमारे यहाँ इंटर यूटी हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ से लद्दाख भी जाते हैं। हाँ सर, हाँ सर, हाँ, तो अब वो सर यूटी अलग हो गई जी। हाँ सर, इसमें मेरा बात है कि एक जो ऑर्डर था जो तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का, व्हिच इज आई थिंक कि वी हैव बीन अपोजिंग, हम लोग अपोज भी कर रहे हैं, कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्लारिफिकेशन मांगे थे। ओके, जो सरकार स्टेट जी, का जो बाउंड्री होता है ना, दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री। एडमिनिस्ट्रेटिव ओके, बाउंड्री दिस इज जी, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री, बट जो ट्राइबल होते हैं, जो लोग होते हैं ना, उनका कल्चरल बाउंड्री इज समथिंग डिफरेंट। हाँ वो अलग होता है। हाँ, दिस लॉ इज रिकॉग्नाइजिंग योर कल्चरल बाउंड्री, फॉरगेट अबाउट योर स्टेट बाउंड्री। ओके ओके, फॉरगेट अबाउट योर स्टेट बाउंड्री सर। लेकिन मेरा बात है कि लॉ का ये जो स्पिरिट है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो लेटर दिए हैं, व्हिच इज कॉन्ट्राडिक्टिंग द स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट। ओके, वो कर्नाटक जो क्लारिफिकेशन दिए हैं उसमें बोले कि कर्नाटका का कुछ आदिवासी जो रहते हैं आपका बाउंड्री में, वो पास वाला स्टेट में खेती कर रहे हैं, तो वो बोले थे हाँ कि कैन द टाइटल बी गिवन टू देम। ओके, या कुछ ग्रेजियर भी जाते हैं, वो मना कर रहे हैं कि अग्रेजर नहीं, हाँ वो ओनली इंटर स्टेट का नहीं हो पाएगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का जो क्लारिफिकेशन था। बट मेरा ये मानना है कि क्योंकि ये मुद्दा असर आपको मालूम होगा भी, उड़ी जो 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एक कमिटी ने कॉन्स्टिट्यूट किया है, क्योंकि जो पेस्टोरलिस्ट हाँ कम्युनिटीज है और जो नोमाडिक जी, ट्राइब्स है और जो पीवीटीज है, उनका क्लेम ठीक से नहीं हो पा रहा है जितना नहीं होना पा रहा चाहिए हूँ था। तो जी, बिल्कुल उस नहीं कमिटी में सर, आई एम ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर दैट कमिटी। ओके, इसे जी। लेके आई हम तो 3 4 बार बहुत सारा कम्युनिटी के साथ थ्रू दिस वेबिनार में हम डिस्कस किए हैं, क्योंकि उनके पास ये मुद्दा आया है एंड आई थिंक द कमिटी में इस मुद्दे को लेके भी चर्चा हुआ है, एंड वी आर गिविंग ए रिकमेंडेशन टू द स्टेट गवर्नमेंट, माने टू द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ये जो कल्चरल बाउंड्री होता है ना, उनका जो डिपेंडेंसी बाउंड्री होता है, दैट शुड बी यार्ड स्टिक, नॉट द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री। ठीक है, ठीक है। क्योंकि हाँ मेरा ये सर मेरा बात है कि उड़ीसा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि इंडिया का सिटीजन कहीं पर भी रह सकता है, कहीं पे भी रह सकता है कहीं जी पर जी भी रह सकता है, तो उसका लाइवलीहुड के लिए व्हाई यू आर क्रिएटिंग दी स्टेट बाउंड्री। क्योंकि जी हम लोग का जी जो काफी सारा कॉन्फ्लिक्ट जो झारखंड छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश के साथ हम लोग का बाउंड्री शेयर हो रहा है, एंड वी हैव बीन सीइंग सच टाइप ऑफ ए प्रॉब्लम। एक और चीज जो सबसे ज्यादा लोग पूछ रहे हैं जब हम जाते हैं, मैंने इसमें क्लेरिफिकेशन भी देखी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ट्राइबल डिपार्टमेंट की, कि अगर किसी कोई ट्राइबल लोग जो हैं वो एक रेवेन्यू विलेज में रह रहे हैं, मगर उनकी डिपेंडेंसी फॉरेस्ट के ऊपर है, या साथ में फॉरेस्ट लैंड है, उनका घर जो है वो एक रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड लैंड पे है, लेकिन उसका उसके उसके इर्द गिर्द बाउंड्री है, उस पे उसका दारोमदार है, उस पे उसका गुजर बसर है, या वो रह रहा है, या उसकी लाइवलीहुड उसके ऊपर है, तो उड़ीसा में क्या है इसको लेकर के, कि सर उसके मेरा पास बात थोड़ी है, सी अपनी रेवेन्यू जी।
थोड़ा सा सर रेवेन्यू पहले का भी मैं, उसका रजिस्टर। जी सर मेरा बात है कि पहले जब कानून आया था ना, फॉरेस्ट जी डिपार्टमेंट अक्रॉस द इंडिया इस क्वेश्चन को जी लेके एक क्वेश्चन किए थे, प्राइमरी डिपेंडिंग ऑन, बोले ना इसका क्या हाँ क्वालिफिकेशन है। पहला उनका इंटरप्रिटेशन था, जो बंदा जंगल के जमीन के अंदर खेती कर रहा है, जंगल के जमीन के अंदर है, ही इज ओनली हाँ एंटाइटल्ड टू गेट द फॉरेस्ट राइट। ओके, जी बट इसका क्लारिफिकेशन मिनिस्ट्री ने दिया है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये दिया। मेरा हम रेवेन्यू जंगल गांव के अंदर है, बट हम खेती कर रहे हैं मेरा रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर, सो रिजर्व आई हैव द फॉरेस्ट। राइट, ये मेरा राइट है, आप इसको जी हटा नहीं पाएंगे। इवन मेरा बात है कि ये जो जो मिस इंटरप्रिटेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से हो रहा है, हो रहा जैसे है, हो उठिए रहा है। सर एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, जो अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, ये जी अक्रॉस इंडिया में एक मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है कि बोला जा रहा है उस जमीन को खेती करने के लिए 3 जनरेशन को चाहिए, बट चाहिए। लॉ में कहीं पर नहीं लिखा गया है। लॉ ये हाँ बोल रहा है कि उस गांव में वो 3 जनरेशन से वहां पर है और हाँ डिपेंड कर रहा है, वो जमीन खेती करने के लिए अरेस्ट उसको उसको 75 ईयर्स नहीं चाहिए, वो ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, हाँ, इधर तो मेरा बात सेवेंटी है, फाइव ईयर खिला रहे हैं, हाँ खिलाया वो जा रहा है दिस इज द, 75 ईयर। ये पूरा मिस जी इंटरप्रिटेशन है, ये पूरा मिस इंटरप्रिटेशन है लॉ का। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ये पूरा क्लारिफिकेशन दिए हैं। अगर किसी को चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का जो फॉरेस्ट राइट आर्ट का जो वेब पेज है उसके अंदर जाए, दे कैन डाउनलोड ऑल द ऑर्डर्स एंड सर्कुलर्स। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। उसमें उसमें ये है, आप हमें क्या एडवाइस करेंगे जम्मू कश्मीर के जो लोग, हम लोग बाहर से, हम ना सरकार हैं और ना हम खुद लेने वाले हैं, लेकिन हम इसमें काम कर रहे हैं। कुछ लोग जैसे ये सर्कल काम कर रहा है जो आपका इस वक्त इंटरव्यू होल्ड कर रहा है, या हम लोग जिस जो लगे हुए हैं बहुत सारे लोग के ट्राइबल्स को फॉरेस्ट की जमीनों पे कैसे मतलब उनका राइट्स जो है रिकॉग्नाइज हो। तो इनिशियल आप हमें क्या मतलब एडवाइसेस क्या है आपकी, क्या क्या आप हमें एडवाइस देंगे? तो इसमें दो तीन बात आपके सामने हम रखना चाहेंगे। पहले जो जी उड़ीसा का आपको दिखाएं कि उड़ीसा का स्टेट गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है अच्छा उसे कैसे आगे भी, जो उड़ीसा में बहुत अच्छा हुआ है, जम्मू कश्मीर में भी किस तरह उसे हम लागू किया जा सके, जो लर्निंग उड़ीसा में कुछ अच्छा हुआ है, महाराष्ट्र में कुछ अच्छा हुआ है, या राजस्थान, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, जी ये सब स्टेट का जो की लर्निंग्स है ना वो जम्मू हाँ कश्मीर में लागू किया जाए। ओके, ये जी पहला वाला है। सेकंड बात है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, ओके, उनके समझ में ये आना चाहिए, दे आर नॉट गिविंग एनी लैंड टू एनीवन। यस ओके, ये उनका हक है, बिकॉज हाँ आप इलीगली यू हैव डिक्लेयर्ड दैट लैंड एज अ फॉरेस्ट लैंड, सो यस स्टेट इज द बिगेस्ट एनक्रोचर ऑफ द लैंड, नॉट द लोकल कम्युनिटीज। यस ये उनका दिमाग के अंदर होना चाहिए। ओके, एंड ये द पीपल आर नॉट द बेनिफिशियरी, पीपल आर द राइट होल्डर्स। बेनिफिशियरी और राइट होल्डर के बीच में बहुत फर्क है, ये भी बात उनके सामने रखना चाहिए। और थर्ड थिंग, जब ये लॉ को लागू किया जा रहा है ना, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वो प्रियम्बल को पढ़े। प्रियम्बल को पढ़ पहली बार इंडियन पार्लियामेंट ने एक बात बोले हैं, आपको मालूम होगा सर, ऐसा कोई भी लॉ नहीं है जहां पर और पार्लियामेंट इज सेइंग दैट वी हैव कमिटेड ए ब्लंडर टू द मिलियंस ऑफ द पीपल। फर्स्ट पीपल। हाँ फर्स्ट टाइम उन्होंने बोला कि टाइम ये सर, मेरा बात है कि सरकार क्या बोल रहा है कि मेरा भूल हो गया है, न हम भूल हाथ हो जोड़ के गया आपके पास क्षमा मांग रहे हैं, आपके पास क्या राइट है आप खुद डिटरमिन कीजिए। ये जो डिटरमिन। स्पिरिट है, ये स्पिरिट को लेके जाना, क्योंकि लोग कहीं पर जंगल नहीं काट रहे हैं। पीपुल आर नॉट द एनक्रोचर, पीपुल आर नॉट द डिस्ट्रॉयर ऑफ द फॉरेस्ट। रादर देन अगर आप देखेंगे जो लॉ है ना फॉरेस्ट को गवर्न करने के लिए, फॉर 1980 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वो खाली जंगल जमीन को कैसे रखा जाए उसके बारे में बात कर रहे हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ओनली वाइल्ड लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट टिम्बर के बारे में बात कर रहे हैं। लोग कहां पर है? पहली लोग बार सर कहाँ ये लॉ में 3 पिलर्स है। हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम बोलते हैं 3 पिलर्स है,
पहला पिलर दिस लॉ इज टॉकिंग अबाउट टेन्योरियल सिक्योरिटी। अगर लोगों का टेन्योर सिक्योर्ड हो जाएगा देन इट गियर्स टू द लाइवलीहुड सिक्योरिटी। अगर लाइवलीहुड सिक्योर्ड हो जाएगा देन इट गियर्स टू द बायोडाइवर्सिटी सिक्योरिटी, इकोलॉजिकल सिक्योरिटी। सो मेरा बात है कि जब तक आपके बीच में क्लैरिटी नहीं है, यू आर थिंकिंग द पीपल आर द एनक्रोचर्स डिस्ट्रॉयर्स, तभी तक मेरा बात है कि ये जंगल का जमीन जब तक लोग नहीं चाहेंगे कोई नहीं रख पाएंगे। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस लॉ नॉट ओनली गिवन द राइट्स बट ऑल्सो गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी। आप मुझे कौन सा लॉ में दिखा दीजिए जहां पर ग्राम सभा को ऑथराइज किया गया द ग्राम सभा कैन स्टॉप एनी एक्टिविटीज व्हिच इज डिटर्मिनेंटल टू द बायोडाइवर्सिटी वाइल्ड लाइफ देयर कल्चर। मेरा बात वाइल्ड लाइफ लॉ रहे के भी टाइगर रिजर्व में भी वी आर डाइवर्टिंग द लैंड फॉर द बड़ा बड़ा माइनिंग के लिए, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री के लिए, बट हियर द ग्राम सभा कैन स्टॉप एनीथिंग। मेरा बात ये जो कंजर्वेशन का जो इसके अंदर है इंटीग्रेट है ना, उसको हम लोगों को आगे लेके आना चाहिए। क्योंकि फॉरेस्ट अगर जी अब मैं एक फॉरेस्ट विलेजेस जो हमारे यहाँ है से कोई 75 ईयर ओल्ड ये फॉरेस्ट विलेजेस हैं, इसको क्या फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत कवर किया जाए या के कंजर्वेशन एक्ट के तहत रेवेन्यू विलेज के लिए रिकमेंड? फॉरेस्ट राइट एक्ट में देयर इज अ प्रोविजन क्लियरली, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो 1980 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। जो फॉरेस्ट राइट एक्ट का रिकॉग्निशन के अंदर इवन द ऑल द लॉ इवन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल सेक्शन 43 के लिए। तो फॉरेस्ट विलेज कॉन्वर्सन ऑफ द फॉरेस्ट विलेज इज ए राइट, इट्स ए राइट। ओके सो मेरा बात है वो जमीन इसलिए हम बोले ना, उड़ीसा में ऐसा भी कुछ गांव है जंगल गांव जहां पर दो फैमिली है बट गवर्नमेंट वहां पर जाके FRC कॉन्स्टिट्यूट किया है। सो ये कॉन्वर्सन का एक राइट है। सो इसलिए सेक्शन 4-5 को हम लोग भी देखना पड़ेगा। सेक्शन 4-5 इज वेरी क्लियर, जब तक ये प्रोसेस खत्म नहीं हो जाता है नोबडी कैन बी एविक्टेड फ्रॉम दैट लैंड। दैट लैंड मतलब जब जब उसने अपना दावा भर दिया, किसी ने अपना क्लेम भर दिया, उसके बाद उसको मतलब निकाला नहीं जा सकता कभी। सर मेरा बात है कि आपका जो लागू हुआ 19 अगस्त ना जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, हाँ 5 अगस्त 2019 से अगर आप लॉ का सेक्शन 4-1 पढ़ेंगे ऑल द जम्मू कश्मीर पीपल आर द राइट होल्डर्स। ओके वो क्लेम दे या नहीं दे आप सेंटेंस को पढ़ेंगे द राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड वेस्टेड, प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, प्रेजेंट टेंस, इट्स नॉट ए फ्यूचर टेंस। आप प्रियम्बुल पढ़ेंगे, प्रियम्बुल इज सेइंग दैट कि इट इज ए क्रिएटिंग ए रिकॉर्ड ऑफ राइट्स नॉट रिकॉग्निशन ऑफ द राइट्स। ओके राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड नाउ ऑल द जम्मू कश्मीर पीपल आर द राइट होल्डर्स। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और एनी डिपार्टमेंट कैन नॉट डू एनी एक्टिविटीज ओके व्हिच इज बीन प्रोटेक्टेड अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट सेक्शन 4-5 के अंदर। एक बात और पूछनी थी कि जो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट लगने लगा तो कुछ जगहों पे मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का बढ़ जाता है कि भाई वहां ये प्रोटेक्ट कर लो, वहां वो बंद कर दो, यहाँ ये लगा लो, और लोगों में बड़ा पैनिक हो जाता है सर। फिर भी जी या जैसे दरख्त लगाने आ जाएंगे, कुछ करने आ जाएंगे सर। ये मेरा बात है कि अभी तक मेरा बात है कि ये प्रॉब्लम खाली जम्मू कश्मीर का बारे में का नहीं है, चारों तरफ भी हो रहा है। उड़ीसा में भी हो रहा है, आंध्र प्रदेश में हो रहा है। आपको मालूम होगा कैंपा जो कंपेंसेटरी अप्रोसिएशन में इतना करोड़ रुपया पैसा है, उसको प्लांटेशन करना है। जमीन कहाँ पर है? जमीन और नहीं है फॉरेस्ट में, और जमीन नहीं, वो तो लोगों का जमीन है। सही तो है। अगर मेरा बात है मुझे प्लांटेशन करना है, मुझे तो लोगों को परमिशन लेके करना है सर। इसलिए मेरा बात देखे आप 2009 में जो ऑर्डर MOEF ने सर्कुलर एक इशू किया था कि आपको प्री प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट चाहिए अगर कोई भी लैंड डाइवर्ट किया जाता है। डाइवर्सन के अंदर इट्स नॉट फॉर द माइनिंग, देव ऑल्सो मेंशन एनी अफोरेस्टेशन स्कीम में अगर भी वहां पर लागू करेंगे देव टू टेक द प्री प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट फ्रॉम द ग्राम सभा। ओके 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 मतलब अगर इसलिए मेरा बात है वो लोग
हाँ उनको अगर कॉन्सेंट कर, प्लांटेशन भी हाँ करनी है तो उनको 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 इजाजत लेनी है। हाँ सर, लोग क्लेम दिए हैं या नहीं दिए हैं, क्योंकि जब तक लोग क्लेम नहीं दे रहे हैं, जब तक डीएलसी इज नॉट टेकिंग द फाइनल डिसीजन, द पीपल आर द राइट होल्डर्स, ओके द ओके लॉ ओके इज एप्लीकेबल द एंटायर कंट्री, मैंने एंटायर जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जितना फॉरेस्ट लैंड है लॉ लागू है। तो आप भी, आप अगर कोई भी काम करेंगे दैट माइट नेगेट द प्रियम्बल ऑफ द एक्ट, कि जो हिस्टोरिकल ओके okay. इंजस्टिस को अंडू करने के लिए आया है, अगर आप उनका परमिशन नहीं लेके करेंगे, माइट बी समबडी इज कल्टीवेटिंग दैट लैंड, सो यू आर रीडूइंग द हिस्टोरिकल इंजस्टिस। तो इसलिए आपको ओके बिना कंसेंट में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब वंस हमारे यहाँ कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो गई है, मतलब जितनी भी फॉरेस्ट राइट एक्ट कमिटीज है ना, फॉरेस्ट राइट की जो विलेज कमिटीज हैं, ऑलमोस्ट इंटायर J&K में कॉन्स्टिट्यूट हो गई है और बड़ी तेजी से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट की है। हमारा सब डिविजनल भी कॉन्स्टिट्यूट हो गया है, डिस्ट्रिक्ट भी हो गया है और स्टेट भी हो गया है। तो ऐसे में कोई भी एक्टिविटी है तो ग्राम सभा इम्पावर हो गई है ना इस पे। पूरा ग्राम सभा पूरा एम्पावर है, क्लेम वेरिफिकेशन से ले, मैं क्लेम डिटरमिनेशन से लेके वेरिफिकेशन करके एसडीएलसी तक भेजना, वो तो पूरा ग्राम सभा के अंदर है। जी बट जी वो कोई तो भी है। काम भी होता है, आप फॉरेस्ट लैंड में कोई भी काम करना चाहेंगे, इवन आप फेंसिंग करना चाहेंगे भी, फेंसिंग आपका करना ग्राम चाहिए। सभा, आप फेंसिंग करें या प्लांटेशन करें, आप कोई भी काम करें, भी रोड बनाना चाहते हैं, आप बिना ग्राम सभा के कंसेंट के आप कुछ भी नहीं नहीं कर कर पाएंगे। सकते। क्योंकि अगर आपका कोई भी एक्टिविटी, ये भी हो सकता है उनका राइट को इन्फ्रिंस कर रहा है, जी एंड जी इसलिए अगर आप देखेंगे, और एक लॉ आपका जम्मू कश्मीर में भी लागू हुआ है, एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट, एट्रोस्टीज एक्ट, ओके, बिल्कुल हम इसको जोड़ते एससी हैं एसटी इसके साथ। एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट में पहली बार जो अमेंडमेंट हुआ था, फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑल्सो पार्ट ऑफ द एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट, यस सो यस एनी इंफ्रिंजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट राइट इज ऑल्सो एट्रोस्टीज कंसिडर एज एट्रोसिटी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, जी। सो आपको जब देखना है ना एट्रोसिटी एक्ट को, फॉरेस्ट राइट एक्ट को, दोनों को मिला के देखना है, आप ओके सिंगल एंटिटी में देखेंगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, दोनों लोगों को सही मिलाकर देखिए। सही है। तो उससे मतलब लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है, और क्योंकि अगर उसको जबरदस्ती निकाला जा रहा हो या कुछ किया जा रहा हो तो उससे उसको निजात मिल सकती है इसमें। सर इवन मेरा बात है कि आपको अगर देखेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का भी जो फॉरेस्ट केस चल रहा है, आपको सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट हैज होल्ड एनी एविक्शन, हाँ होल्ड होल्ड अभी उसने जो होल्ड। अच्छा एक होल्ड चीज मुझे किया है, और जी, होल्ड किया जी, होल्ड किया आप तो बताइए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अभी किसी को एविक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम नहीं जम्मू कर दे। कश्मीर का बहुत सारा न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, अभी भी एविक्शन ड्राइव चल रहा है, दैट हाँ इज हाँ वो अगेंस्ट द जो लॉ, दैट इज अगेंस्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। एक चीज जो है इसमें कि हमारे कुछ स्टेट, हमारा जो अर्स्टवाइल स्टेट था उसके कुछ लॉज थे जो कि अभी एक्सटेंडेड है जम्मू कश्मीर में, जिसमें के कुछ जड़ी बूटियों पे पाबंदी है, कुछ जो जो मेडिकल प्लांट्स हैं उन पे पाबंदी लगाई हुई है कि वो नहीं लाने हैं। तो ये जो आप हम कम्युनिटी क्लेम में जब हम माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में इसको करेंगे तो क्या ये स्टेट के लॉज लगेंगे कि या यहाँ जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो लगेगा? सर, फॉरेस्ट राइट एक्ट इज अ सेंट्रल लॉ, इट जी सुपरसीड्स ऑल द स्टेट लॉज, इट सुपरसीड्स द ऑल ओके द स्टेट लॉज। सो एमएपी का जो डेफिनेशन हुआ है, एमएपी बोला है कि ऑल द ट्री ओरिजिन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स आर कंसिडर ओके एज एमएपी, इंक्लूडिंग द मेडिसिनल प्लांट्स, बार्क, रूट्स, ट्यूबर्स, एवरीथिंग। सो मेरा बात है कि, बट सर मेरा ये भी बात करना है, जब हम राइट के बारे में बात कर रहे हैं, उसी टाइम में भी कंजर्वेशन के बारे में भी बात किया जाए सही लोगों के सही साथ। है। उड़ीसा में क्या हुआ ना, बहुत सारा स्टेट में ओनली टाइटल देने के लिए जो चला एक कंपटीशन है, वहां पर कभी भी कंजर्वेशन के बारे में बात नहीं हुआ है। नहीं नहीं हुआ नहीं हुआ इसलिए जम्मू कश्मीर में पहले आप कंजर्वेशन के बारे में बात कीजिए, राइट के बारे में बात कीजिए, तभी जाके होगा। क्योंकि कुछ मेडिसिनल प्लांट ऐसा भी होता है जो काफी, मेरा बात है, सेंसिटिव होते हैं, तो ग्राम हाँ सभा बिल्कुल भी देख के कि कौन सा मेडिसिनल प्लांट को हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा को नहीं कर सकते हैं, अंडर द जी फॉरेस्ट जी राइट एक्ट दे कैन ऑल्सो पुट द बैन, कि आप हाँ ये नहीं कर बिल्कुल पाएंगे। जी। अच्छा मैं एक बात और ऐड आपसे ऐड करवाना चाहता हूँ
कि हमारे यहाँ ये है कि कोई ट्राइब जो है नीचे जो जमीन है ना, जो फार्म ए में आपको मिलती है निजी क्लेम, जैसे इंडिविजुअल क्लेम है, ठीक है हाँ ना, वो वही लोग जो है वो यहाँ पे इंडिविजुअल क्लेम क्लेमेंट है, लेकिन वो लोग जो है वो 6 महीने के लिए ऊपर चले जाते हैं पॉस्चर्स में, ठीक है ना, हाँ ऊपर के पॉस्चर्स में जाते हैं, मतलब वो जाते हुए उनको 45 डेज लगते हैं, आते हुए भी लगभग 45 डेज लगते हैं, 45 से 2 2 मंथ, मतलब 4 मंथ उनके चलने में चले जाते हैं या 3 मंथ उनके चलने में चले जाते हैं, तो 3 मंथ वो ऊपर रहते हैं, ठीक है ना। अब जो ये फॉरेस्ट राइट के क्लेम है, ये हमने जो 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 उसकी वेरिफिकेशन करेगा वो यहाँ की ग्राम सभा करेगी ना, अच्छा, जो ग्राम सभा यहाँ करेगी। यहाँ की ग्राम सभा करेगी ना, यहीं की। हाँ, वहां पर ग्राम सभा करेगी, बट उसमें भी बहुत टाइम में भी ऐसा भी होता है कि दे हैव टू इंटीमेट द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड और द रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कि वेरिफिकेशन का टाइम है, दे शुड ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। ओके, दे यस शुड ऑल्सो यस पार्ट ऑफ, क्योंकि कौन सा जमीन जंगल का जमीन है, मैप तो उनके पास है, गांव के पास तो नहीं है। ओके, मैप तो उनके पास है जी। वो सब लेके आएंगे। सर मेरा बात है कि लॉ में देर इज नो डिफरेंसिएशन, आप जी क्लेम जी फॉर्म में लैंड अंडर ऑक्यूपेशन को मांग रहे हैं, क्लेम फॉर्म ओके बी ओके में आप ग्रेजिंग का राइट मांग रहे हैं। ओके, एंड सेकंड है कि सर ये लॉ में कहीं पर नहीं लिखा गया कि आपको 2 महीना का 3 महीना के अंदर दे देना है। अगर ग्राम हाँ सभा आज आपका FRC कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, उस दिन हम बात कर रहे थे कुछ लोगों के साथ जम्मू कश्मीर का, हम बताएं कि जो ग्राम सभा का पहला मीटिंग हुआ है, आप उस रिजोल्यूशन को पढ़िए, उस रिजोल्यूशन हाँ में जो कमिटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ है उस कमिटी को हाँ ग्राम सभा ऑथराइज किया है या नहीं, क्योंकि उस ओके रिजोल्यूशन में लिखना पड़ेगा इस कमिटी को हम लोग ऑथराइज कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द ग्राम सभा, दे कैन रिसीव द क्लेम एंड वेरीफाई द ओके क्लेम एंड पुट द ओके फाइंडिंग्स बिफोर द ग्राम सभा, क्योंकि ये ओके FRC का ओके उतना ही काम होता है, उससे ज्यादा वो नहीं कर पाएंगे, नहीं क्योंकि कर ग्राम सभा पाएंगे। इज द अथॉरिटी। तो वो बात लिखा गया है या नहीं। सेकंड है कि ये जो आपका सीजनल आता है ना, लोग यहीं पर हैं फिर 3 महीने के लिए दूसरा जगह कहीं चले कहीं जाते हैं, पे जी हाँ, जी सो वेरिफिकेशन का टाइम अगर ये प्रॉब्लम होता है ना, ग्राम सभा कैन अडॉप्ट ए रिजोल्यूशन, कैन से कि मेरा अभी, क्योंकि लॉ के हिसाब से जो रूल्स है कि जिस दिन आपका क्लेम का कॉल हुआ है उसका 3 महीने के अंदर क्लेम देना है, तीन फिर महीने जब के ये अंदर 3 महीने हो जाएंगे फिर दोबारा कॉल किया जा सकता है दोबारा दोबारा भी। दोबारा ओनली ग्राम सभा लिखना है कि क्यों वो लोग एक्सटेंड कर रहे हैं। ओके 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 सर, मेरा बात है, देखिए उड़ीसा में भाई कानून, ग्राम सभा में सबका साइन करवाना है या के ऐसे रेजोल्यूशन लिखना है। ग्राम सभा का सब लोग बैठेंगे, रिजोल्यूशन होगा, जैसे कि आप बता सकते हैं कि जैसे कि वेरिफिकेशन करना है, आप बोलेंगे कि जी अभी कुछ ग्रुप पहाड़ के ऊपर चले जा रहे हैं वो अपना जी ग्रेजिंग के लिए, तो वो लिख देंगे कि रीजन है कि हम लोग अभी वेरिफिकेशन नहीं करेंगे क्योंकि लोग नहीं रहेंगे, लोग इस महीने में रिटर्न करेंगे, उसके बाद जाके वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू होगा, बिकॉज ओके ओके वो क्या होता है, दैट इज प्रोवाइडिंग ए सेफगार्ड टू द कम्युनिटी, एंड कम्युनिटी कम्युनिटी लेवल में सर हम ये बात रख रहे हैं, दो तीन कम्युनिटी लेवल में आपको इंश्योर करना पड़ेगा। ओके एक तो अपना एक प्रोसीडिंग्स का खाता रहना चाहिए बिल्कुल के उड़ीसा, का बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ उड़ीसा में ये फ्री में दिया जाता है हर ग्राम सभा को, मतलब वो प्रेसिडेंट एक सेक्रेटरी, ऐसे और जो हाँ रेजोल्यूशन आपने डालने हैं हाँ वो रिजोल्यूशन का, और प्रेसिडेंट ठीक है, सेक्रेटरी का स्टाम्प, जो अपना स्टंप स्टाम्प स्टंप होता वाला है, बिल्कुल ठीक वो है। भी उड़ीसा गवर्नमेंट ने फ्री में दे रहे हैं हर ग्राम सभा ओके को। ओके 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 सेकंड एक एक फाइल जो कॉरेस्पॉन्डेंट होगा, हाँ फॉरेस्ट जो जो सब डिपार्टमेंट ओके होगा, हाँ वो एक कॉरेस्पॉन्डेंट के ओके लिए उनके पास फाइल, एक क्लेमेंट रजिस्टर होना चाहिए, ओके क्लेमेंट रजिस्टर में पूरा जो जो डेट में क्लेम दिए हैं उनका एंट्री होगा कि कौन सा डेट में ओके कौन आदमी दिया है, और वहां पर जो FRC ने वेरीफाई कर रहा है वो तो पूरा फॉर्मेट ठीक है या नहीं, अगर ठीक है लिखेंगे फार्मा ठीक फिर उसको नोटिफाई ओके करेंगे ओके उसी के हिसाब से। सो ये जो क्लेमेंट रजिस्टर रिजोल्यूशन ये पूरा चाहिए, क्योंकि कल अगर आप हाँ कोर्ट हाँ भी जा रहे हैं ना, अगर ये नहीं होगा आप कोर्ट के अंदर मूव भी नहीं कर पाएंगे, ये बहुत जरूरी कर है सकते सही है हर हर सही ग्राम सभा में रहने के लिए, ये वाला का मेरा बात है कि ओके बहुत ओके जरूरी है एंड देर एक इज, तो एक हाँ एक जी जी हाँ मैं रिपीट करता हूँ इसको कि एक तो ग्राम सभा को
एथराइज करना है इस कमेटी को, एफआरसी को, कि आप क्लेम लें आवर बिहाफ, ठीक है। हाँ दूसरा उसने एक रजिस्टर मेंटेन करना है क्लेमेंट जो आ रहे हैं उसके पास। तीसरा उसने वेरीफाई करना है क्लेम में जो कागज लगे हुए हैं वो ठीक हैं कि नहीं। फिर उसने एक हाँ कॉरेस्पॉन्डेंस की फाइल फाइल बनानी है हाँ और तमाम चीजों का रिकॉर्ड रखना है कि जब वो आगे क्लेम्स को भेजेगी उसका जो जो आ जाएगी रिजोल्यूशन उसकी भी कॉपी उन्होंने अपने पास रखनी पूरा सर पास रखना है, पूरा पास में रखना है, क्योंकि ये है। पूरा जरूरी है लॉ के अंदर। क्योंकि जी कल जी अगर क्योंकि मानिए कि आप, और हाँ कल अगर मानिए कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोलेगा कि आपको 3 महीने के अंदर तो क्लेम नहीं आया है, हम तो प्लांटेशन करेंगे, तभी आप हाँ रिजोल्यूशन में हाँ दिखा बिल्कुल सकते हैं भाई मेरे लोग नहीं है, हम सही है एक्सटेंड सही है किए नेक्स्ट 1 साल के लिए। ये ग्राम सभा के ओके पास अथॉरिटी है सर। एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, उड़ीसा में आज भी IFR क्लेम रिसीव हो रहा है, जो 3 महीना का हम ओके लोग का कमिटी कॉन्स्टिट्यूट हुआ है February 2008 में, तो ओके सही मार्च अप्रैल मई में के अंदर तो हो जाना चाहिए था, है 2008 में, आज भी कैसे क्लेम रिसीव हो रहा है। हाँ सो ठीक है। मेरा बात एक मुझे एक बात और पूछनी है आपसे हाँ सर कि मान लो कि हमने फर्स्ट टाइम क्लेम भर दिया तो हाँ क्लेम सर में कुछ एडिशन ऑल्टरेशन बाद में की जा सकती है क्या? मतलब नहीं एक सर, दफा आपने क्लेम नहीं वो ना की वाला जा का मेरा सकती। बात है कि जब तक आपका ग्राम सभा के पास है आप कर सकते हैं, इसलिए मेरा वंस बात है कि जो, जब हाँ इसलिए सर जी सबसे बड़ा होता है ना जो ट्रेनिंग होता है ना। जी और जैसे कि आप महाराष्ट्र में अगर देखेंगे जो गवर्नर ने शेड्यूल 5 एरियाज में वो FRA कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंटमेंट किए हैं, हम लोग जो काम करें जो सिविल सोसाइटी, हम लोग हर पंचायत में एक एक ट्राइबल एम्बेसडर के हिसाब से अपॉइंट कर रहे हैं, ताकि वो लोग ओके वेल इक्विप है, वो ग्राम सभा को हैंड होल्डिंग देना है, क्योंकि बहुत सारे ग्राम ओके सभा में भी लिख नहीं पाएंगे रिजोल्यूशन। रेजोल्यूशन नहीं ओके लिख पाएंगे। जी हाँ, तो इसके लिए उड़ीसा गवर्नमेंट ने टेम्पलेट बना दिए कि आप इस तरह का ओके रिजोल्यूशन भी कर सकते हैं। ओके ओके हर ओके ओके प्रोसेस के लिए एक टेम्पलेट बना के उड़ीसा गवर्नमेंट ने दिया है। ओके 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 जो मतलब जो जो वो मानते हैं खुद उड़ीसा गवर्नमेंट भी मान रही हाँ है मान लीजिए हाँ कुछ हाँ कुछ और सिविल जैसे कई सोसाइटी सारे या और एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कि FRC को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लेटर लिखना है कि मेरा आइए वेरिफिकेशन इतना तारीख में होगा आप आइए, तो उस लेटर का कैसे लिखा जाए, आप कैसे या लिखा आप जाए वो। मुझे मुझे फॉरेस्ट मैप चाहिए, हाँ डॉक्यूमेंट बिल्कुल ग्राम सभा के पास हक है, जो भी हाँ डिपार्टमेंट को बिल्कुल डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो देंगे, तो देंगे उसके लिए देंगे कॉरेस्पॉन्डेंट जो होगा उसका टेम्पलेट क्या वो होगा। सो मेरा टेम्पलेट क्या बात है होगा। कि ये सबको अगर आप लोग पहले, क्योंकि इसलिए हम बोल रहे हैं आप पहले दिन से क्लेम फाइलिंग के लिए मत जाइए, क्योंकि जी 4 5 आपको प्रोटेक्शन दे रहा है, पहले प्रिपेरेशन कीजिए, आप प्री प्रिपरेशन प्रिपेरेटरी कीजिए पूरा कीजिए, हर कम्युनिटी का जी आप देखिए, हर गांव का असेस कीजिए, कहाँ कहाँ पर क्या है, कहाँ कहाँ पर मैप है, कहाँ पर मैप नहीं है, कहाँ पर पुराना मैप है। ओके हाँ पुराना हाँ रिकॉर्ड्स बिल्कुल को आपको कलेक्शन करना पड़ेगा। ये बाला के ऊपर पहला 6 महीना, मेरा हर टाइम यही बोलते हैं, पहला छह जी महीना आप रिसर्च कीजिए, रिसर्च के बाद जाके काम शुरू कीजिए क्लेम का। क्लेम का काम शुरू किया। मुझे ये बताइए कि अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको मतलब ये जैसे रेवेन्यू है दूसरे डिपार्टमेंट अगर नहीं करते हैं मान लो FRC को मतलब नहीं देते हैं क्लेम तो ऐसे में क्या करना नहीं ये कागज नहीं देते हैं, तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? सर मेरा बात है कि उड़ीसा गवर्नमेंट का भी लेटर है लॉ के अंदर प्रोविजन में, उड़ीसा गवर्नमेंट का वेरी क्लियर लेटर है हर कलेक्टर को, हर DFO को, अगर एनी ऑफिसर इज नॉट अबाइड बाय द लॉ और ग्राम सभा जो लॉ मांग रहा है उनको नहीं दिया जा रहा है, Section 7-8 ओके के अंदर उनके अगेंस्ट में केस हो सकता है। ओके 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 अच्छा इसमें मेरा जी बात है कि जो Section 7-8 इट इज नॉट ओनली एप्लीकेबल टू द गवर्नमेंट ऑफिसर, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू द FRC मेंबर्स, ओके क्योंकि के अगर वो FRC में भी, हम भी FRC के अगेंस्ट में बोल सकते हैं FRC मेरा क्लेम नहीं रखा, चीर के फाड़ दिया, सो FRC कैन ऑल्सो बी कॉल्प्रिट अंडर द ओके लॉ। ओके सो ओके ओके ठीक ठीक मतलब कि आप वो भी रिस्पॉन्सिबल है सरकार भी रिस्पॉन्सिबल है और जो ऑफिशियल इसमें निग्लेक्ट निग्लेक्ट करता है चीज को या पीछे रखता है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। यस सर, ये पूरा रूल्स में लिखा गया है, Section 7-8 में लिखा गया है, रूल्स में वेरी क्लियरली लिखा गया है, ग्राम सभा या FRC जो भी डॉक्यूमेंट जो भी ऑफिसर को मांगेंगे वो देना पड़ेगा। उड़ीसा गवर्नमेंट ये भी तय किया है
जो गवर्नमेंट ऑफिसर डॉक्यूमेंट देंगे उसका जो जेरॉक्स का कॉस्ट आएगा, फोटोकॉपी का कॉस्ट आएगा, वो ट्राइबल डिपार्टमेंट वो पैसा भर रहा है, ओके ओके, ट्राइबल डिपार्टमेंट देगा उनको दे रहा है, क्योंकि वो सरकार बोले कि ग्राम सभा को एक पैसा खर्चा करना नहीं है। ओके ओके, एक एक चीज और जो मैंने ड्यूरिंग स्टडी पढ़ा के जो ये आपने नक्शे बनाने हैं एक एक गांव के, एक एक गांव के नक्शे बनाने हैं, हर गांव के नक्शे बनाने, मतलब कि जब आपने क्लेम सेटल करने तो वही नक्शा चलेगा ना, वो नक्शा, वो नक्शा ट्राइबल अपना भी दे सकते हैं कि मेरी ये हैबिटेशन यहाँ पे है। ये सर अपना दे सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, अपना नक्शा, ग्राम सभा स्केच मैप, फाइनल मैप इज गोइंग टू बी डन आफ्टर द अप्रूवल एट द डीएलसी। आप पढ़ेंगे रूल्स में लिखा गया, स्केच मैप में सब काम होगा। ओके ओके, मतलब ग्राम सभा अपना नक्शा भी दे सकती है बनवा के, अपना नक्शा, अगर ग्राम सभा का नक्शा को लेकर डीएलसी अगर एसडीएलसी चैलेंज कर रहा है या डीएलसी चैलेंज कर रही है, दे हैव टू गिव अ रिटन व्हाई दे आर नॉट एक्सेप्टिंग द ग्राम सभा जो नक्शा बना है ग्राम सभा का, वो हाई दे आर नॉट एक्सेप्टिंग, दे हैव टू गिव अ रीजन, विदाउट रीजन दे कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर करेंगे सेक्शन 7(8) लागू होगा, एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट लागू होगा, ये दिमाग में रखना चाहिए। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, कि अगर वो नहीं दे रहे हैं तो उसमें ये लागू होता है। हाँ। ना इसमें इसमें तो एंड एंड पे आपसे कुछ और आपसे हम लेना चाहेंगे कोई गुर जो हमें काम आएंगे, जो हम सिविल सोसाइटी के लोग हैं। सर मेरा बात है कि सिविल सोसाइटी के लोगों का उड़ीसा में भी आज देखेंगे, जहां पर भी देखेंगे, जो भी आंकड़ा आप देख रहे हैं ना, ये पूरा सिविल सोसाइटी के लिए हुआ है। एंड मेरा ये जो तजुर्बा है लास्ट 10-12 साल में, इसका एफआरए के ऊपर पूरा काम कर रहे हैं, बिल का टाइम में भी जाके धरना दिए थे, उसके बाद भी काम कर रहे हैं इसे ये को लेके। सर एक तो बात है कि मेरा ये कहना है कि आप क्लेम का पीछे मत भागिए, कितना क्लेम गया, कितना क्लेम है हुआ, उसके पीछे मत भागिए। पहला है कि आप सिक्योर्ड है अंडर सेक्शन 4(5). सेकेंड है कि आप पहले जिस कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं ना, उस कम्युनिटी के बारे में पहले समझिए, नहीं तो आप एनादर हिस्टोरिकल इनजस्टिस आप करने जा रहे हैं। सही है, आपका अगर नॉलेज नहीं होगा एक कम्युनिटी के ऊपर, आप जाके वहां पर ए फॉर्म, बी फॉर्म, सी फॉर्म फिलअप करके आ जाएंगे, फिर उसमें कम्युनिटी को जो जो लिख के दे देंगे वो तो रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर बाद में मालूम पड़ेगा कि भाई ये राइट तो हम नहीं लिखे हैं। हाँ ये नहीं लिखे, सही है। तो इसके लिए सर मेरा बात है कि जैसे कि आपका यूनिवर्सिटी ने जो ये पूरा डायलॉग का सीरीज शुरू की है ना, हम तो ये बात ये भी रखेंगे कि जितना एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है जम्मू कश्मीर में, ओके, एवरीबॉडी वहीं पर आके लोगों को हेल्प करे, जहां जहां पर पीएचडी थीसिस है जम्मू कश्मीर में कोई कम्युनिटी के ऊपर, या कोई भी वीडियो भी अवेलेबल है, कहीं पर कुछ डॉक्यूमेंट है या गैजेटियर्स है, ये पूरा आपको पूरा कलेक्शन करना पड़ेगा, पहले उसको पढ़िए, उसके बाद जाके काम करिए। आपको कोई भी, मेरा बात है कि कोई भी लॉ के अंदर आपका कोई भी एविक्ट नहीं कर पाएंगे, ये हम लोग का दिमाग के अंदर रखना चाहिए। और हम लोग ऐसा भी पहला दिन से भी ग्राम सभा ने ये सब तय भी करना चाहिए कि ठीक है, हम लोग को तो जमीन के ऊपर जो खेती कर रहे हैं उसके ऊपर हम लोग राइट मांगेंगे, बट ये भी ग्राम सभा को तय करना है भाई, कोई भी जाके नया जंगल नहीं काटे, नहीं काटे, बिल्कुल सही है। हाँ ये मेरा बात है कि ये बात भी ग्राम सभा को रखना चाहिए, जब राइट के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो कंजर्वेशन को भी साथ में रखें, पहला प्रायोरिटी कंजर्वेशन को दे, उसके बाद जाके राइट के बारे में बात करें। सही है, पहले 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 कंजर्वेशन की बात होनी चाहिए। हाँ नहीं तो सर मेरा बात है कि हम देखे उड़ीसा में भी ऐसा भी बहुत जगह है ना, पॉलिटिकल पार्टी जाके बोले तुमको पट्टा मिलेगा, जाके जंगल भी काट दिए लोग, वो किसका किसका जा रहा है, वो अपना खुद का ही जा रहा है, खुद का जा रहा है। ठीक है, हम ग्राम सभा एक कमेटी भी बना सकती है प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट को। यस सर हाँ ये सर, उस पर उसी के ऊपर अभी भी अभी उसी के ऊपर जो दूसरा कमेटी मिनिस्ट्री ने किया है, डॉक्टर हम लोगों का एनसी सेक्शन का अंदर में जो कमेटी हुआ है सीएफआर गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट को लेके, आई एम आल्सो वन ऑफ द मेंबर इन दैट कमेटी। ओके सो वी आर डिस्कसिंग ऑन दिस,
कि इंस्टीट्यूशनल का फ्रेमवर्क क्या रहेगा, क्या क्या रहेगा, क्योंकि ग्राम सभा को वर्किंग प्लान बनाना है, ग्राम सभा का अपना प्लान बनाना है। पहली बार तो ग्राम सभा इज गेटिंग देयर जो नॉलेज है ना ग्राम सभा का, उस नॉलेज को वह स्पेस मिल रहा है गवर्नेंस के अंदर। सो जो इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन का जो आंकड़ा है ना, बिकॉज टिल डेट वी आर फॉलोइंग द कॉलोनियल पैटर्न ऑफ द प्लान, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू फॉलो द इंडिजिनियस नॉलेज बेस्ड प्लान। ओके ओके, आप गिरी राव साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं और इतनी खूबसूरत आपने बातें की, और मुझे लगता है कि 70 मिनट तो ऊपर हो गए, तो क्योंकि अताउल्ला साहब भी आ गए हैं, तो मैं आपसे चाहूंगा कुछ क्वेश्चन शायद आ जाएंगे इनकी तरफ से, अताउल्ला साहब की। सर बहुत जबरदस्त डिस्कशन रही जिसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंची, जो मकसद था हमारा कहीं ना कहीं उस मकसद में हम कामयाब होते दिख रहे हैं। तो जो कुछ क्वेश्चन जो कमेंट सेक्शन में जो लिए गए थे उसमें राजा मुजफ्फर भट्ट साहब हैं जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने फॉरेस्ट राइट एक्ट पे काफी काम किया, उन्होंने कुछ सवालात पूछे थे कि जम्मू कश्मीर में जो गवर्नमेंट है वो मिसलीड कर रही है पब्लिक को, क्योंकि एक डेडलाइन रख दी गई है कि 31 मार्च जो कहीं ना कहीं उन्होंने मेंशन थी उस नोटिस में, तो उनका ये सवाल था कि क्या ऐसी कोई डेडलाइन है फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंटेशन करने में इम्प्लीमेंट के लिए, कि इतने टाइम के बीच में ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सर मेरा बात है कि गवर्नमेंट हैज नो अथॉरिटी टू फिक्स एनी डेडलाइन, डेडलाइन क्या होगा ग्राम सभा तय करेगा। रूल्स में बोला गया कि 3 महीने के अंदर देना है, उसके बाद ग्राम सभा कैन एक्सटेंड दैट पीरियड, डेडलाइन क्या होगा ये ग्राम सभा तय करेगा, गवर्नमेंट तय नहीं कर पाएगा। ये मिनिस्ट्री का भी गाइडलाइन है, ऑर्डर्स भी है, डायरेक्शन किसी को चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का वेब पोर्टल को जाए, दे कैन डाउनलोड दैट वन। एक्ट में भी है कि वो 3 महीने। यस सब, मेरा बात है कि सरकार तो यहीं पर अक्यूज पार्टी है ना, सरकार इज अक्यूज पार्टी, सो हाउ द अक्यूज पार्टी इज गोइंग टू डिटरमिन कि ये के अंदर आपको करना है। जी जी, और कुछ सवाल आए हैं जो जी जी हाँ, एक और क्वेश्चन था जो राजा मुजफ्फर साहब का ही था और मुझे लगता है कि ये लेना चाहिए, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट सवालात हमें लगे जो क्वेश्चंस, तो उन्हीं को 2-3 क्वेश्चंस हमने लिए। उसमें एक ये था कि क्या जो ग्राम सभा है इनकी 50% पार्टिसिपेशन जरूरी है, कहीं कुछ ऐसा है सर? हाँ सर, मेरा बात है कि पहला जो कोरम था ना, पहला जब आया था 2008 का रूल्स में, वहां पर 2/3 था, 2/3 था, एंड काफी सारा प्रॉब्लम यही हुआ कि जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी माइनॉरिटीज है, अदर कम्युनिटीज जो फॉरेस्ट डिपेंड के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, वो कोरम होने नहीं दे रहे थे, तो इसलिए वो लोग 50% कर दिए। उसमें ये भी लिखा गया जो 50% होगा उसमें से जब डिसीजन होगा उसमें मेजोरिटी, दैट मीन्स इफेक्टिवली योर कोरम इज द 25% प्लस। अगर आप देखेंगे आप ऐसे 50% का टोटल का एडल्ट मेंबर, उसमें 50% में जो रहेंगे उसके बाद मेजोरिटी, तो आपका 25 प्लस हो रहा है। बट एंश्योर करना मेरा बात है कि सर एक बात आपको, हम सभी को बात बोल रहे हैं, ये लॉ में पहली बार महिला ऑल्सो गेटिंग द राइट, क्योंकि हम लोग का जो जो बिकॉज इट्स ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, वी नेवर गेव द राइट प्रॉपर्टी राइट टू द वुमेन, पहली बार उनको दिया जा रहा है। तो हम लोग जब पहले ही काम करें ना, महिलाओं को भी साथ में ले, महिलाओं का जो विजन है ना, जो वर्ल्ड व्यू है, उसको भी रिकॉर्ड करें, वी शुड नॉट लेफ्ट बिहाइंड द वुमेन। सही, थैंक यू सर। तो आपका जावेद साहब, अगर कोई और क्वेश्चन है राही साहब तो आप पूछ सकते हैं। नहीं नहीं बस शुक्रिया, बहुत बहुत सवाल हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं गिरी साहब आपका कि आप हमारे साथ मौजूद रहे, बहुत ही आपने ऐसी ऐसी चीजें बताई हैं जो हम अभी इनिशियल में सीख रहे थे और आपने उसका अगला स्टेप बताया, तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ जम्मू कश्मीर के जो ट्राइबल्स हैं उनकी तरफ से, और सोसाइटी है जो ट्राइबल्स को हेल्प करना चाह रही है उसकी तरफ से, और खासकर जो ये स्टडी इनका जो सर्कल है, ये लिटरेरी सर्कल जो कि वहां के रिसर्च स्कॉलर मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी के और वहाँ के टीचर और जो इंटेलेक्चुअल तबका है वो चीज को चला रहा है, इनका भी शुक्रिया, बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। अताउल्ला साहब खुद करेंगे लास्ट भी शुक्रिया। सब मेरा जी, मेरा जी। बात है कि लिटरेरी सर्कल को तो हम मेरा बात है कि थैंक्स क्या, आई एम पर्टिकुलरली उनके पास है ये कि रहेंगे, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी दी है
बहुत दिन से हम जम्मू कश्मीर का बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं ओवर फोन में। इवन हम ये भी पेशकश किए हैं, अगर कोई भी लोग करना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग करना है, ऑनलाइन में आजकल ट्रेनिंग भी हो सकता है। आई कैन गिव द टाइम, आप मुझे बताइए कि ओके हम ओके लोग सर, 2 2 घंटा बैठेंगे, ईच चैप्टर वाइज जाएंगे ताकि हाँ उनका चैप्टर समझ वाइज, में आ जाए, फिर वो सही, अपना एरिया के हिसाब से कस्टमाइज करें तो आसान हो ओके जाएगा जी इम्प्लीमेंटेशन करने में। क्योंकि ये लॉ है, ये लॉ को अपने हिसाब से हम जी लोग कस्टमाइज कर सकते हैं अपना एरिया के हिसाब से। तो जी इसलिए मेरा सर, बात है कि, और जो क्योंकि जो यूनिवर्सिटी ने इस तरह का स्टेप ले रहे हैं, आई थिंक इट्स द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन माय लाइफ ये फॉरेस्ट राइट यस एक्ट में जो लाके जो काम करना। एंड इस तरह का क्रॉस लर्निंग होना भी चाहिए, क्योंकि फेल्योर भी है सक्सेस भी है, बट क्रॉस लर्निंग में करें तो ताकि बहुत अच्छी तरह से आए। एंड सबसे बड़ा मेरा बात है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट, वो अपने कंट्रोल में रखें, ग्राम सभा भी अपना कंट्रोल में रखें, कि दोनों, मेरा बात है कि बिकॉज ये किसी का अगेंस्ट में एनमी नहीं है, इट्स ए कलेक्टिव एफर्ट। जैसे उड़ीसा ने कलेक्टिव एफर्ट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पंचायत राज डिपार्टमेंट, ट्राइबल डिपार्टमेंट, ये कलेक्टिव एफर्ट में पूरा काम हुआ है तो सक्सेस हम लोग देखे हैं। तो कभी भी हम लोग को ये नहीं सोचेंगे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज एनमी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज टू रियलाइज। बहुत बहुत शुक्रिया गिरिराव साहब, आपने हमारे जो सब लेक्चर सीरीज हुई है उसमें से सबसे सक्सेसफुल प्रोग्राम और सबसे इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम आज का रहा, जो पब्लिक ने यही लिखा है कि बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, और जितने भी लोग चाहे वो FRC कमिटीज में हैं या बाकी जगह पे काम कर रहे हैं, जो ट्राइबल्स के इशू एक्ट को इम्प्लीमेंटेशन या इसकी अवेयरनेस में जम्मू कश्मीर में, उन तमाम लोगों की तरफ से और खासकर लिटरेरी सर्कल की पूरी टीम की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करके, आपने अपना कीमती वक्त दिया और उड़ीसा के बैकड्राप में आपने जितने भी एक्सपीरियंसेस थे वो आपने हमारे साथ शेयर किए। मैं लिटरेरी सर्कल की टीम से आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू वेरी मच सर। और इसके साथ नमस्ते साथ मैं सभी को, जावेद राई सभी साहब, को। कोई थैंक यू थैंक यू सर, उसके बाद मैं जावेद राई साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट बात की अवेयरनेस के लिए जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ कि वो जगह जगह पे जाके वहां के लोगों को अवेयर कर रहे हैं। इनशाला हम एक टीम बना के लिटरेरी सर्कल भी अब अंडरस्टैंड करने के बाद जो है वो ग्राउंड पे उतरेगी, और जहां जहां जरूरत पड़ी इनशाला हम जो रिसर्च स्कॉलर हैं या हमारी फैकल्टी मेंबर्स हैं और बाकी जो इंटेलेक्चुअल तबका है, जो कम्युनिटी का या फॉरेस्ट डेवलपर्स के लिए जो लोग काम करते हैं, उनको भी इंगेज करेंगे। और सर जैसा कि आपने कहा, मैं एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कहा कि आप अगर इन फ्यूचर भी मुझे कहीं पे बुलाएंगे तो इंशाल्लाह सर कभी भी हमें जरूरत पड़ी हम इस पर डिसीजन लेंगे, और अगर हम कोई ट्रेनिंग का इस तरीके का प्रोसेस ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं, कोई वेबिनार कराएंगे, तो उसमें जरूर आपको फिर से एक बार बुलाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच जावेद राय साहब थैंक यू एंड थैंक यू गिरिराव थैंक यू सर, थैंक यू। गुड थैंक नाइट टू एवरी वन, गुड यू, नाइट टू एवरी गुड वन, नाइट, थैंक गुड यू, नाइट, गुड नाइट, थैंक यू। गुड नाइट सर। इसके साथ साथ मैं अपने सामीन का भी शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने इस डिस्कशन को इतना खूबसूरत बनाया, क्योंकि जो वो ये थी गिरिराव साहब की पूरी बात से कि कहीं ना कहीं ये लोग जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो फॉरेस्ट राइट्स को क्लेम करेंगे, वो लोग बेनिफिशरीज नहीं है, ये लोग लोगों का हकूक है। इसमें कहीं ना कहीं चाहे वो ट्राइबल डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की इन्वॉल्वमेंट हो, उनको भी ये सोच के चलना चाहिए कि ये लोगों के हकूक हैं इस पे, और उन लोगों को जो है वो पंचायत लेवल पे अपनी कमेटीज को बना के वहां पे अपनी टीम को उतार के पब्लिक को अवेयर करना चाहिए उनके राइट्स के बारे में, और उनके जितने भी हकूक हैं वो उनको देने चाहिए। मैं एक बार फिर लिटरेरी सर्कल की टीम की तरफ से आप सब सामीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, और फॉरेस्ट राइट एक्ट लेक्चर शुरू की थी वो आज आपने इख्तिताम पे पहुंचती है, इसके बाद हम एक और जो इस पूरे लेक्चर सीरीज का जो कंक्लूजन है वो आप तक लेके आएंगे, और उसके बाद हमारा जो मकसद था बेसिकली वो ये था कि किसी ना जो तालीम है वो आवाम तक पहुंचाई जाए, तो हम इस अपने मकसद में जो नेक्स्ट हम अपना जो लेक्चर सीरीज चला रहे हैं वो कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम की करेंगे, जिसमें मुख्तलिफ जो लोग हैं सिविल सर्विसेज में जो लोग क्वालिफाई कर चुके हैं या अकेडमिक्स में जिन लोगों का अच्छा है, रिसर्च में जो लोग अच्छे हैं जिन्होंने काम किया है, उन लोगों को इन्वॉल्व करेंगे, और आप तक जो तालीम की इम्पोर्टेंस है या रिसर्च की या करियर काउंसलिंग अगर स्टूडेंट्स को वहां पे जरूरत है तो हम कहीं ना कहीं वो उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज, गुड इवनिंग, गुड नाइट।